हाँ भाई, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ जी सर, यानी तिलावत हो जाए। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, तुम कर लो तिलावत, तेरा क्या मसला है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हाँ भाई, हमने कैशलेस शुरू किया था, मैंने कहा था कि रिवाइज करके आना, एक एक से पूछूंगा। तो आप बताएं कि कैशलो का मकसद क्या है, क्यों बनाते हैं? अच्छा, क्या ये सही कह रही हैं कि हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कुछ इनफ्लोज और आउटफ्लो होते हैं कैश के, एक तो वो देखने के लिए और दूसरा प्रॉफिट को रिकनसाइल करने के लिए किससे? तो क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर होना अलग बात है और कैश फॉर द ईयर होना अलग बात है? अच्छा, फिर मैंने कहा था भाई, आपका जो प्रॉफिट है वो आपके कैश के बैलेंस से रिकनसाइल नहीं कर रहा होता कुछ रीजंस की वजह से। तो मैंने कहा कि अगर वो सारे रीजन सीख जाऊंगा तो क्या कैश फ्लो बनाना सीख जाऊंगा? तो क्या अब तक हमने सारे रीजन सीखे हैं या एक एक करके सीखते जा रहे हैं? चलें जी, फिर मैंने आपको ये कहा था कि भाई सुनना मेरी बात, मैंने कहा मैं प्रॉफिट फॉर द ईयर में कुछ एडजस्टमेंट्स पार्क करूंगा तो वो मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश इनफ्लो फॉर द ईयर में बदल जाएगा। उसके अंदर मैं ऐड करूंगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऐड करूंगा तो क्या क्लोजिंग बैलेंस के इक्वल आना चाहिए? यस, यानी वहां से मेरे शेयर होल्डर को पता लग जाएगा कि क्यों मेरा प्रॉफिट फॉर द ईयर कैश फॉर द ईयर से रिकनसाइल नहीं था, यानी उसके लिए दिमाग में कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही है भाई? चलें जी, पहला रीजन क्या था? अच्छा, यानी आप कहेंगे नॉन कैश एक्सपेंस। चलिए रिवाइज करेंगे आप गोली गोली। नॉन कैश एक्सपेंस का क्या ये मतलब है कि एक ऐसा एक्सपेंस जो एक्सपेंस तो चार्ज हो गया जिसका कैश का कोई इम्पैक्ट, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। तुम लोग अभी इम्पेयरमेंट सीख रहे हो ना सर, इम्पेयरमेंट की एंट्री बनती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट पीपी। तो क्या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आज के बाद अगर मैं इम्पेयरमेंट लॉस भी कहूंगा तो वो भी एक ऐसा एक्सपेंस है जिसका कोई कैश का इम्पैक्ट, उसको भी एडबैक करेंगे? पक्की बात है। अच्छा, बचपन में तुमने सीखा होगा एनआरवी लॉस, अभी सीख के आए हो ना ये। मैं एनआरवी लॉस कैसे होता है? एनआरवी लॉस डेबिट और इन्वेंट्री। अच्छा, जो इन्वेंट्री क्रेडिट हुई तो एसेट कम हो गया, एक्सपेंस चार्ज हो गया। क्या इस एक्सपेंस से प्रॉफिट कम हो गया? पर क्या इस एक्सपेंस का कोई कैश पे हिट है? तो इसको भी क्या करूंगा? तो सर, रेदर देन सेइंग दिस के भाई मैं ये कहूँ कि भाई मैं डेप्रिसिएशन को एड बैक करूंगा, मैं ये कह सकता हूँ मैं हर नॉन कैश एक्सपेंस को एड करूंगा, हाँ या नहीं? क्योंकि उसका इम्पैक्ट कैश पे नहीं होगा जबकि उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट के अंदर होगा। ये बात समझ आती है? चलिए जी, पहला रीजन हमने क्लियर किया। दूसरा रीजन क्या था? एक्विजिशन ऑफ पीपी। चले, आप कहेंगे कि सर जो पीपी एक्वायर करता हूँ वो एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, उसकी एंट्री ये बनती है पीपी डेबिट और कैश। अच्छा, तो सर क्या ये कैश का आउटफ्लो है? पर इसका हिट पीपी पे, ओ प्रॉफिट पे नहीं है, तो यानी दैट मींस कि मेरा कैश कम हुआ हुआ है, प्रॉफिट कम, तो क्या मैं माइनस करूंगा? यस सर, फिर लॉजिकल बात है। फिर मैंने कहा क्या डिस्पोजल ऑफ पीपी सिखाया था? डिस्पोजल ऑफ पीपी गेन पे भी सिखाया था। वेरी गुड। अच्छा, मैंने ये कहा कि भाई एक 15,000 का पीपी आपने 19,000 में बेचा है तो आपके पास कैश कितना आया? 19,000 रुपए, 19,000 रुपीज। सही है भाई, रिवाइज कर रहे हैं। मैंने तुम्हें बोला ना तुम्हें रिविजन की भी नीड नहीं होगी, साथ साथ होता रहेगा। मैंने कहा भाई कैश आ गया तुम्हारे पास 19,000, तुमने गेन कमा लिया कितने का? अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, आपके प्रॉफिट में कितना शामिल है, नीचे कैश में कितना शामिल है? तो मैं एक काम करूं कि 15,000 की एडजस्टमेंट मारूं? नहीं। अच्छा, पहले बताओ मसला क्या है इसमें? अच्छा, मानी फेयर प्रेजेंटेशन नहीं है, यानी आप ये कहेंगे कि मेरे शेयर होल्डर को ये लगेगा मैंने पीपी बेचा है 15,000 का जबकि असल में कितने का बेचा है? 19 का। तो पहले मैं एक काम करूं, ऊपर जो गेन ऐड हुआ है उसको लेस करूं, उसका इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, फिर 19,000 दिखा दूं? वेरी गुड, ये बात याद है। चलें जी, फिर हमने ये डिस्पोजल सीखा था आई थिंक लॉस के ऊपर। चलें, मैं फिर ये कहता हूं, मैंने 15,000 का पीपी 11,000 में बेचा तो क्या मेरा लॉस आ गया, उससे मेरा प्रॉफिट कम हुआ है ज्यादा?
चले आप सुनना, ऊपर प्रॉफिट में नेगेटिव है, नीचे 15,000 पॉजिटिव है, 11,000 बल्कि। तो क्या मैं 15,000 की एडजस्टमेंट मारूं? ऐसा लगेगा कि पीपी कितने का बेचा है, 15,000 रुपए का। फिर मैं एक काम करूं, ऊपर लॉस का इम्पैक्ट जीरो करने के लिए लॉस को ऐड करूं। अच्छा फिर ये रटा तो नहीं लगाओगे ना, गेन होगा तो लेस, लॉस होगा तो ऐड, ऐसा तो नहीं ना? लॉजिकली है, पक्की बात है, पक्की बात है बहन। ओके अब मुझे एक बात बताओ सर, हमने लॉस को क्या करना है? ऐड बैक करना है और फिर नीचे प्रोसीड्स असल वाली दिखानी है, कहानी खत्म हो जाएगी। चले जी, हमने यहाँ तक रिवाइज किया। फिर मैंने कहा था, मैंने आपको गेन ऑन डिस्पोजल सिखा दिया, लॉस ऑन डिस्पोजल सिखा दिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस सिखा दिया, टोटल 4 हो गए अब तक, सही है ना? पहला नॉन कैश एक्सपेंस, दूसरा, तीसरा डिस्पोजल ऑन गेन, डिस्पोजल ऑन लॉस। फिर मैंने आपको कहा था एक्सपेंस होना अलग बात, उसकी पेमेंट होना। अच्छा मैं कहता हूँ क्या लाजमी है जितना एक्सपेंस है उतनी पेमेंट हो? मैंने अभी एग्जांपल दी थी इंटरेस्ट एक्सपेंस की, आया नहीं? मैंने कहा था इंटरेस्ट एक्सपेंस की वजह से आपकी लायबिलिटी क्या होगी, वो क्रेडिट साइड पे ओपनिंग को इंक्रीज कर दी होगी, फिर भी देखो अगर क्लोजिंग कम आ रहा है दैट मींस कि कुछ पे हो चुका है। तो अगर मैं ये कहूँ 1,20,000 रुपए का एक्सपेंस है, 1,20,000 का आपने पे किया 1,50, तो मेरे पीएनएल में कितना शामिल है? 1,20। 1,20,000 का एक्सपेंस मींस मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से कितना माइनस हुआ हुआ है? 1,20,000 रुपए। अच्छा मैं कह रहा हूँ पेमेंट हुई 1,50 की, तो नीचे से कितना माइनस हुआ हुआ है? 1,50। मतलब कैश में से 1,50 माइनस हुआ हुआ है ना। क्या मैं नेट बेसिस पे 30,000 रुपए माइनस करूं वैसे इक्वल हो जाएगा? वैसे तो इक्वल हो जाएगा, फिर मेरे शेयर होल्डर को ये लगेगा मैंने जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है वो कितने की है? 30,000 रुपए की, जबकि असल में कितनी थी? 1,50 की। तो फिर मैं एक काम करूं, ऊपर जो एक्सपेंस है पहले उसको जीरो करूं और फिर ग्रॉस पेमेंट दिखा दूं। याद आ गया पूरा? आगे चलें। अच्छा जी, अपने पास हेडिंग डालने वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अच्छा एनआरवी लॉस वाली रिपीट करते हैं सर। सर कैश रिसीवेबल ऑन डिस्पोजल, समझा नहीं जानी, कैश रिसीट ऑन डिस्पोजल मसला कर रहा है, क्या मसला कर रहा है अनस? हाथ पे हाथ पूछ लो। अली जैन मैं तुम्हें बता देता हूँ एनआरवी लॉस की एंट्री क्या बनती है। एनआरवी लॉस डेबिट यानी एक्सपेंस चला गया और इन्वेंट्री क्रेडिट। फिर मैंने कहा ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो पीएनएल में एक्सपेंस तो चार्ज हो चुका है जिसका कैश का कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो दिस इज सेम एज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इसको ऐड बैक कर दोगे क्योंकि इसने प्रॉफिट को कम किया हुआ जबकि कैश कम नहीं हुआ। चले अभी हाथ के हाथ सही हो जाएगा ना, सेट है। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें एक हेडिंग सर अभी क्या हेडिंग डालनी है, मैं लिख देता हूँ भाई। सर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वालेकुम सलाम अली अहमद, बहुत जल्दी आ गए तुम। अच्छा जी भाई प्लीज यार, हमने कहा कि भाई कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं कैश फ्लो बनाता हूँ यानी प्रॉफिट को रिकंसाइल करता हूँ किससे? कैश के बैलेंस से। क्या मैंने सारे रीजन सिखा दिए? एक एक करके सीख रहे हैं ताकि तुम्हें मसला नहीं हो ना, एक साथ सारी चीज डालूंगा तो पागल हो जाओगे, तुम बोलोगे वाकई मुश्किल था, जबकि मुश्किल नहीं है। चलिए जी सर, मैंने कहा वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मैं इसमें कुछ चीजें लिख रहा हूँ, उसके अंदर आता क्या क्या है? सर इसके अंदर पहली चीज आती है अकाउंट रिसीवेबल, दूसरा सर अकाउंट पेएबल, तीसरा सर इन्वेंट्री। अब सर आप बोलेंगे इसका कैश फ्लो पे क्या ताल्लुक है, सर अभी बताते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, आपके बिजनेस को चलाने के लिए, सुकून से सुनना कहानी है ना, मजे मजे से तो सीख रहे अकाउंटिंग, क्यों घटा लगाया अभी एक भी चीज का नहीं ना? मैं तुम्हें ये भी कहा फॉर्मेट भी याद नहीं करो, खाली हेडिंग प्लेस करना सिखा दूंगा वो तो गोली गोली सब हो जाएगा। मुझे एक बात बताओ सर, कैपिटल का क्या मतलब है? सर वो बचपन में डेफिनेशन बोली थी भूल गए सर, है ना? क्या मतलब है कैपिटल का? एसेट माइनस लायबिलिटी, वेरी गुड। भाई आपके बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा चाहिए क्या मैं उसको कैपिटल कह सकता हूँ? भाई आप शेयर इशू करते हो, कैपिटल आता ना लोगों से, वो बचपन की एंट्री याद आ रही है सर के मिस्टर ये इंट्रोड्यूस रुपीज 1,00,000 रुपीज इनटू बिजनेस, ऐसा ही है ना? कैश जाए पे शेयर कैपिटल
क्रेडिट, यही सीखा है ना, ओनर का हिस्सा या ओनर की मालियत, ओनर की मालियत, बचा कुचा कैपिटल होता है ना भाई, एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करो। मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरे पास 3-4 कार्स है, मेरा घर है, बंगला है, एसी है, फ्रिज है, सब है, सही है, मैंने ये किया एसेट्स, मैं बोलूंगा ये मेरी मालियत नहीं है, इसमें से पहले लायबिलिटीज क्या करो, माइनस करो। लायबिलिटीज माइनस करी तो जो बच गया उसका मैं नेट वर्थ कहलाएगी, हाँ या नहीं? चले जी, मैं ये कहता हूँ कि भाई आपका बिजनेस चलता है दो तरीकों से। अब कहानी पे ले आता हूँ, आपका बिजनेस चलता है या तो आप सुनना अपने पैसे लगाते हो बिजनेस में, दिस इज कॉल्ड इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल, ऐसा ही है भाई। भाई शेयर कैपिटल लेके आता हूँ ना, पैसा लगाता हूँ, अपना पैसा लगा सकता हूँ, या तो लोगों से पैसा लेता हूँ, दिस इज कॉल्ड लोन, हाँ या नहीं? सर वापस से साथ साथ बोलेंगे, क्या मैं अपना पैसा बिजनेस में लगा सकता हूँ? वेरी गुड, क्या फिर सुनना मेरी बात, लोगों से लोन ले सकता हूँ, यानी बिजनेस चलता है दो तरीकों से, या तो अपना पैसा लगा के या दूसरों का पैसा लगा के, ऐसा ही है भाई। चलिए जी, सर फिर यहाँ पे इसके क्या ताल्लुक है कैश फ्लो में, अभी बताते हैं। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं खाली हेडिंग का मतलब समझा रहा हूँ, अभी ये तो समझा ही नहीं है मैंने। वर्किंग कैपिटल चेंजेस का मतलब ये है कि आपके रोजमर्रा के बिजनेस में कितना पैसा फंसा हुआ है, वापस से सुनना, कोई मसला नहीं है। अच्छा फिर आप सर इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, हम बाकी जगह पे जाएंगे ना, हमें कैश फ्लो का फॉर्मेट बोलेंगे, इस पे यह है तो ये चिपका देना, क्योंकि अब वो इस कहानी पे जाता ही नहीं है, अब वो ICAW की अप्रोच को फॉलो कर रहा है। वो क्या बोलता है, बोलता है इसकी इंटरप्रिटेशन बताओ क्या है, वर्किंग कैपिटल निकाल के दो। तुम बोलोगे हम तो पूरा कैश फ्लो याद करके कहते, उसने सिर्फ क्या पूछ लिया, वर्किंग कैपिटल, तो फिर अकॉर्डिंगली लेके चलना। मैं बोल रहा हूँ वर्किंग कैपिटल का क्या मतलब है, आपका पैसा बिजनेस की वजह से फंसा हुआ, आपका पैसा बिजनेस की वजह से फंसा हुआ है। सर ये एग्जाम्पल दें, आप प्रूफ करें, अभी एक एक करके बताता हूँ। सर आप सेल करते हैं, लाजमी है कैश पे करो, अच्छा यानी सर मैंने 1 लाख रुपए की सेल की, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स, चले मैं एक एक करके पूछूंगा। अच्छा जो इतना सा भी कंफ्यूजन है ना, हाथ के हाथ पूछना, मैं कह रहा हूँ वो इंटरप्रिटेशन पे जाता है, सही है ना, रट्टू तोते फारे, आप क्योंकि वो बेसिक अकाउंटिंग थी, हो गई अभी सीख लो, जो इंटरप्रिटेशन है FR2 में आओगे उससे डबल चीज है। फिर मैं आपको कह रहा हूँ, सर आपने क्या किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट, क्या ये सेल PNL में चार्ज हुई होगी? जब ये सेल PNL में चार्ज हुई है तो ये प्रॉफिट में भी कन्वर्ट हुई होगी, यानी मेरे PNL में इसका इम्पैक्ट है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ लाजमी लाजमी कैश में भी इम्पैक्ट है? नो, क्योंकि लाजमी नहीं है जो सेल की वो पैसे में कन्वर्ट। क्या मैं कह सकता हूँ आपके पैसे फंस गए किसकी वजह से? सर यानी मैं बिजनेस को चलाने के लिए पैसे फंसा रहा हूँ ना, तभी मैं क्या कहता हूँ वर्किंग कैपिटल। सर चेंज का मतलब अभी समझा दूंगा, वर्किंग कैपिटल का मतलब समझ आता है, अपने बिजनेस को चलाने के लिए पैसा क्या किया हुआ मैंने, फंसाया हुआ। अब तुम ये कहो कि अपनी जेब से पैसा लगाओ या बेचो और सामने वाला पैसा नहीं दे, वो भी तो पैसा लगाना ही है ना इटसेल्फ, हाँ या नहीं? चलें जी, दूसरी चीज अकाउंट्स पेएबल, आप क्या इन्वेंट्री जो परचेस करते हो लाजमी है कैश पे करो या उधार पे? अच्छा यानी आपने इन्वेंट्री लिया है, सुनना मेरी बात, इन्वेंट्री डेबिट, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट। हो सकता है जो इन्वेंट्री खरीद के आए हो उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करवा दिया हो, हाँ या नहीं? अच्छा सुनना अभी मेरी बात, कॉस्ट ऑफ सेल जब चार्ज कराओगे उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा? अच्छा ये अभी सिर्फ कहानी कहानी खेल रहा हूँ, उसको अलग अलग समझाना है मैंने, मैं खाली वर्किंग कैपिटल का मतलब समझा रहा हूँ, वो पैसा जो बिजनेस की वजह से फंसा हुआ है, या तो किसी का पैसा आपने रोका हुआ है या आपका पैसा किसी ने रोका हुआ है, सही है? पे उसकी कैश फ्लो पे इम्प्लीकेशन देखें, उसको मैं कहता क्या हूँ, बिजनेस को चलाने के लिए पैसा फंसा हुआ, क्या कहूंगा मैं, बिजनेस को चलाने के लिए फंसा हुआ पैसा। पहली एग्जाम्पल दी मैंने रिसीवेबल की, क्या लाजमी है कि सेल करूं तो पैसा आ जाए? नहीं सर, यानी मेरा पैसा रिसीवेबल में फंसा हुआ हो सकता है, ऐसा ही है भाई। क्या लाजमी है इन्वेंट्री परचेज करूं, इमीडिएट पेमेंट करूं? क्यों सर, उधार पे ले सकते हैं। अब मुझे बताओ आपने किसी का पैसा रोक लिया, हाँ या नहीं? दैट मीन्स के सुनो, आपने बिजनेस को चलाने के लिए लोगों से उधार नहीं लिया, लोगों का पैसा रोक लिया है। फिर सुनना, देखो मैं कनेक्ट कर रहा हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ ये वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल का मतलब है रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए पैसा लगाया हुआ है, पर क्या खुद लगाया हुआ है या किसी ने आपका रोका हुआ है, कि आपने किसी का पैसा रोका हुआ है, ऐसा ही है ना भाई? सुनो, रिसीवेबल, आपने किसी का पैसा रोका हुआ है या किसी ने आपका पैसा, किसी ने हमारा पैसा, ऐसा ही है भाई। अभी इसी कैश फ्लो पे इम्प्लीकेशन देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। अकाउंट्स पेएबल, हमने किसी का पैसा रोक लिया, पक्की बात है, यानी मैंने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए, सुनना मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ, मैंने अपने बिजनेस को फाइनेंस करने के लिए ना बैंक से लोन लिया ना शेयर होल्डर से पैसा लिया, मैंने क्या किया, किसी का पैसा रोक लिया, टेक्निकली ये भी सेविंग ही है ना अभी तो, हाँ या नहीं? पैसा रोका हुआ है। अच्छा इन्वेंट्री, जब तक इन्वेंट्री मेरे बुक्स में मौजूद है तब तक समझो वो भी पैसा फंसा हुआ है,
क्यों सर? भाई 1 मिलियन की इन्वेंट्री खरीद ली, बिकी नहीं रही। तो बिकी नहीं रही तो दैट मीन्स कि 1 मिलियन का एसेट तो है, बट क्या वो एसेट कैश है या पैसा फंसा हुआ है? यानी सर इसको मैं कहता हूँ, मैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, सिर्फ इतना याद रखो, अभी अभी एक एक करके समझाऊंगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ अपने बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ पैसा स्ट्रक करना होता है, और वो कितनी वजह से? पहला, दूसरा। अच्छा, अब यानी आप सर कहना चाह रहे हैं कि भाई आपका जब पैसा फंस जाएगा तो इसका कोई ना कोई कैश फ्लो पे भी इम्पैक्ट होगा। भाई सीधी सी बात है, आपने सेल किया, आपका पैसा रोक लिया, तो पैसे की जब बात आ रही है तो कैश फ्लो की भी बात आ रही है। आपने कोई चीज परचेज की, उसकी पेमेंट पेमेंट नहीं की, तो मतलब पेमेंट आ रही है तो मीन्स कैश फ्लो का मसला आ रहा है, ऐसा ही है भाई? यानी सर इसकी कोई ना कोई इम्प्लीकेशन किसके ऊपर है? कैश फ्लो के ऊपर है। इसको मैं कहता क्या हूँ, अपने बिजनेस को, रोजमर्रा के बिजनेस को चलाने के लिए पैसा किसी का रोका भाई, आपने किसी का पैसा रोका, ऐसा ही है भाई? चलें जी एक एक करके, पहले मैं सिखाऊंगा अकाउंट रिसीवेबल, प्लीज सुनना। मैंने यहाँ पे भाई हेडिंग डाली अकाउंट रिसीवेबल की, अभी कॉपी नहीं करना, मैं सुकून से टाइम दूंगा। सिर्फ फोकस होके समझना है। इधर देखो सर, मैंने अज्यूम ये किया, सुनना मेरी बात, मैंने अज्यूम ये किया कि मेरे पास करंट ईयर है 2020, मेरे पास कैश का बैलेंस है सर 20,000 का। कितने का है भाई? अच्छा, अकाउंटिंग हो चुकी होगी, उसके बाद तुम कैश फ्लो बनाते हो ना, ताकि प्रॉफिट को किससे रिकंसाइल करो? कैश फॉर द ईयर से, ऐसा ही है भाई? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि क्या क्या हुआ होगा और तुम्हें क्या करना है, दोनों चीजें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो वरना जिंदगी भर इसका रट्टा लगेगा। तो देख लो साहब, सर मैंने किया ये कि ड्यूरिंग 2020, यहाँ पे लिखता हूँ ड्यूरिंग 2020, मैंने एक काम ये किया कि मैंने इन्वेंट्री परचेज की उधार पे, अकाउंट्स पेबल डेबिट, और इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, मैंने कहता हूँ भाई 50,000 से। कितने से भाई? अच्छा, मैंने सर इन्वेंट्री उधार पे परचेज की, तो क्या कोई मना है? कर सकते हैं परचेज, प्लीज मेरी बात सुनना। मैंने किया ये, सुनना मेरी बात, मैंने किया ये कि ये जो इन्वेंट्री मैंने परचेज की थी ना, इसको उठा के बेच दिया। कहाँ बेचा? मार्केट में बेच दिया सर, तो मेरी सेल हो गई। अच्छा, ये 50,000 रुपए की इन्वेंट्री मैंने बेची कितने की? 1,00,000 रुपए की। सुनना मेरी बात, मैंने क्या किया भाई, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 1,00,000। अच्छा, अब प्लीज मेरी बात सुनना, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे पीएनएल में कुछ भी हो जाए, अकाउंटिंग तो अपने हिसाब से होगी, कैश फ्लो बाद में बनता है, क्या सेल्स बुक हो गई होगी कितने की? 1,00,000 रुपए की। सेल्स तो 1,00,000 की है ना? ओके जी सर, फिर मैंने क्या किया होगा, जो इन्वेंट्री बेची, प्लीज सुनना, जो इन्वेंट्री बेची है उसको मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज करवा दिया होगा। चलें सर, हमने क्या किया, इन्वेंट्री हो गई क्रेडिट और COGS डेबिट। सर ये हो गई इन्वेंट्री क्रेडिट पूरे इम्पैक्ट के साथ, सर ये हो गया 50,000 रुपये। चलो पहले मुझे एक बात बताओ, आपने जब ये साल शुरू किया था तब आपकी बुक्स में कोई इन्वेंट्री मौजूद थी? नो सर, जीरो थी। कोई अकाउंट्स पेबल मौजूद था? नो सर, जीरो था। कोई अकाउंट रिसीवेबल मौजूद था? नो सर, जीरो था। सिर्फ समझ लो, देखो ये ऐसे चली होंगी चीजें, अकाउंटिंग हो चुकी होगी, मैं तुम्हें ये भी सिखा रहा हूँ अकाउंटिंग कैसे हुई होगी, कैश फ्लो पे कैसे पहुंचना है। चलिए जी सर, मुझे बताएं, इन्वेंट्री आई 50 की, और मतलब डी रिकॉग्नाइज कर ली मैंने, टेक्निकली मेरी इन्वेंट्री का बैलेंस अभी भी क्या है? मतलब मैं एक चीज समझाने के लिए बाकी सारी चीजों को कॉन्स्टेंट रख रहा हूँ, ऐसा ही है भाई? भाई यहां तक कोई मसला जानी, पक्की बात है? ओके, क्या मैंने COGS PNL में चार्ज किया होगा 50 का? ये कितना आ गया? 50,000। तुम्हारी आसानी के लिए, ताकि पीछे से कनेक्टेड रहो, एक मेरी बुक्स में कोई पीपी था, कोई एडिशन नहीं है, कोई डिस्पोजल नहीं है, मैंने एक एंट्री बनाई होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और पीपी क्रेडिट। सर अज्यूम कर लिया मैंने 10,000 से, क्या यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी पार्क हो गया होगा? कितने का सर? 40 का आ गया। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, क्या ये प्रॉफिट गलत है? सही है, सही है सर, अपने अकाउंटिंग के हिसाब से बिल्कुल। भाई देखो, अकाउंटिंग तो IFRS के हिसाब से होगी, फिर बाद में सोचोगे कि इसके अंदर और कैश के अंदर क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग समझ आ रही है अब तक? चलें जी,
एक और चीज सुने सर, मैंने ये इन्वेंट्री क्या क्रेडिट पे बेची थी? कितने के क्रेडिट पे? 1 लाख पे। मैंने अज्यूम ये किया कि इस साल, प्लीज सुनना, इस साल इससे पैसा आया, मैंने किया कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल, यानी आधा पैसा आया है। कितना पैसा? आधा पैसा। तो मुझे एक बात बताओ, नहीं 1 लाख रुपए नहीं, मैं कह रहा हूं कि भाई आधा पैसा आया, ऐसा ही है भाई? मुझे एक बात बताओ भाई, बाकी रिसीवेबल कितना बच गया, ये याद रखना। फिर मैंने क्या किया, जब मैं अपने बिजनेस को क्लोज करने लगा था ना, मेरे क्रेडिटर ने गुद्दी से पकड़ा, मेरे को बोला मेरे पैसे दे। उसके पैसे कितने बनते थे? 50 ही बनते थे। मैंने बोला रुको देता हूँ अभी, रुको, बदतमीजी नहीं करना। मैंने क्या कहा भाई, अकाउंट्स पेएबल डेबिट और कैश कितने से? यार प्लीज फोकस करना, एक एक करके COGS वाली एंट्री रिपीट करते हैं, वापस कर देते हैं भाई। एक इन्वेंट्री 50 की खरीदी, 1 लाख रुपए की बेच दी, तो जो इन्वेंट्री बेच दी है वो मेरी बुक्स में होनी भी एज ए एक्सपेंस चार्ज होनी चाहिए। मैंने क्या किया, पीएनएल में चार्ज करा दिया COGS डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। सही है भाई यहां तक? चलें जी सर, अब एक एक करके मेरे साथ। आपकी बुक्स में इन्वेंट्री आई थी और चली भी गई। अब मैं एक एक करके आपसे पूछूंगा बैलेंस शीट में क्या चल रहा है। क्या मैं इन्वेंट्री का बैलेंस दिखाऊं 2020 में? रीजन तो क्यों नहीं, 1 रुपए की भी इन्वेंट्री बची? सही है भाई, आप लोगों ने खुद कंक्लूड किया है। सही है जी, अब इधर आ जाए सर। अब मैंने क्या कहा आपको, आपका पेएबल पहले क्या था? 0 था। क्रिएट कितने से हुआ? 50 से। अच्छा, यानी मैं बोल रहा हूँ ये पॉजिटिव हो गया, सही है, क्रिएट हुआ ना, मतलब 50,000 रुपए की लायबिलिटी आ गई। मुझे एक बात बताओ, आपने क्या फिर उसको सेटल भी किया? यानी मेरे ख्याल से लायबिलिटी क्रिएट हो गया, खत्म भी हो गई। अब मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि मेरे पास रिपोर्टिंग डेट पे पेएबल भी? पक्की बात है। चलें, जब आपने ये साल शुरू किया था, आपका रिसीवेबल का बैलेंस 0 था, ऐसा ही है भाई? चलें, रिसीवेबल का बैलेंस पप्पू जब आपका 0 था, सुनना सुकून से यार, जब रिसीवेबल का बैलेंस आपके पास 0 था, तो मुझे एक और बात बताओ, आपने क्रिएट कितने से किया था? 1 लाख से। कम कितने से हो गया? बचा कितना? यानी मैं ये कह सकता हूँ ड्यूरिंग द ईयर आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो गया है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल कितने का हो गया है? 50,000 रुपए का। देखो ये अकाउंटिंग हो चुकी होगी, तुम्हें करनी नहीं होगी, पर मैं इम्पैक्ट समझाने के लिए ये लाजमी है। सही है, वरना लोग आएंगे तुम्हें कहेंगे कि भाई चल भाई ये हो तो ये कर लेना, पर लॉजिकली समझो। अब एक और चीज बताओ मुझे, एक और चीज सर, कैश पे देख लेते हैं। कैश ओपनिंग कितना था? सब तुम ही बता रहे हो, ओपनिंग कितना था? 20। आपके पास आया कितने का? 50 का आया। गया कितने का? यानी सर मेरे पास वापस कितना बचा? यानी आप अगर ये समझे मेरी बात को, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर कोई कैश इनफ्लो भी नहीं है, आउटफ्लो भी नहीं है, नेट बेसिस पे देखूं तो। वापस से सुनो, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे कैश में कोई इजाफा हुआ? पहले जितना था एज एड पे उतना ही है। मैंने तुम्हें प्रूफ भी किया, पैसे आए कितने थे, गए कितने, कहानी वहीं आ गई। यानी जो ओपनिंग था वही यहाँ चुरंगी पे आके रुक गया, ऐसा ही है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, मेरा तो मसला ये है कि मैं शेयर होल्डर को बोलूंगा कि भाई मुझे इसको रिकनसाइल करना है किससे? कैश फॉर द ईयर से, कैश फॉर द ईयर से। यहाँ तक सब साथ हो तो बताओ, मैं आगे लेके चलूंगा। ऑनलाइन वालों यहाँ तक ऑल क्लियर? भाई तुम लोग यहाँ तक ऑल क्लियर? सही है, वापस से बोलूंगा, ओपनिंग पेबल था कोई? ओपनिंग कैश था कोई? कितने का? 20,000 रुपए का। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री थी कोई? नो सर, मैंने कहा इन्वेंट्री मैंने परचेज की, हाथ के हाथ बेची, इन्वेंट्री भी 0। सही है भाई। अच्छा, जो इन्वेंट्री बेची वो 1 लाख रुपए की बेची, सेल चार्ज हो गई पीएनएल में। अच्छा, फिर कॉस्ट ऑफ सेल भी चार्ज हो गई पीएनएल में, डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया पीएनएल में, वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही हुआ। फिर मैंने कहा अकाउंट्स पेएबल क्रिएट हुआ था ड्यूरिंग द ईयर और वो खत्म भी हो गया ड्यूरिंग द ईयर, यानी अभी भी पेएबल 0, पहले भी 0। अच्छा जी, अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग 0 था, क्रिएट हुआ 1 लाख से, रिसीव हुआ कितना, बच कितना गया? यानी ड्यूरिंग द ईयर मैं ये कह सकता हूँ मुझे कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ। किस नाम पे? रिसीवर के नाम पे। वेरी गुड यार, अब हम असल कैश फ्लो पे आते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाया होगा? कितने का? 40 का। सुनना मेरी बात है प्लीज, आप फोकस के साथ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे इसको रिकनसाइल करना है कैश फॉर द ईयर से। मैंने तुम्हें सिखाया है प्रॉफिट फॉर द ईयर और कैश फॉर द ईयर में जमीन आसमान का फर्क है। प्रॉफिट फॉर द ईयर, कैश फॉर द ईयर में जमीन आसमान का फर्क है, ऐसा ही है ना भाई?
चलें जी, अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे क्या आपने कोई एडजस्टमेंट्स पार करना सीखी है? किसकी, क्या करूं उसको, एडवैक कर दूं? ये तो कोई खानदानी एडजस्टमेंट है ना, इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 50,000 रुपए। यानी मैं ये कह रहा हूँ, सुनना, यानी मैं ये कह रहा हूँ, ये ऐसे दिखा रहा है कि मेरा 50,000 का इनफ्लो है, ऐसे ही है ना, ये पहुंच गया ना उस पर, यानी इसकी एडजस्टमेंट कटा गए। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कैश इनफ्लो फॉर द ईयर देखूं, मुझे जो पता है ऑलरेडी इनफ्लो फॉर द ईयर वो जीरो है, इनफ्लो फॉर द ईयर क्या है, जीरो है। रीजन, ओपनिंग भी 20 था, क्लोजिंग भी, कुछ पैसा एडिशनल आया ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे तो वो बचता है ना जो ड्यूरिंग द ईयर आया हो या ड्यूरिंग द ईयर गया हो। एक एक करके, एक मुझे सुनना सिर्फ सुकून से, मुझे एक बात बताओ, पिछले सवाल खोल के देख लेते हैं। चलो मुझे एक बात बताओ भाई, अगर मैं पिछले सवाल पे जाऊं जो हमने किए हुए, हमने ये सवाल किया था, क्या ये इनफ्लो 1077420 आया था, या आपने प्लीज सुनना ऐसे निकाला था, कैश एंड बैंक का दोनों का डिफरेंस लो कितना आता है प्लीज मेरे लिए, इन दोनों का डिफरेंस लो, 856200-1933620, ये याद है भाई। यानी ये इनफ्लो नेट रिप्रेजेंट कर रहा होता है ड्यूरिंग द ईयर पैसा आया कितना, यानी मैं उस प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश नेट इनफ्लो फॉर द ईयर में कन्वर्ट कर देता हूँ, ऐसा ही है भाई। भाई ये रिपीट याद आ गया ये वाला सीन? चलिए जी सर, मैं वापस अपनी चौरंगी पे आ गया समझाने के लिए, तभी कहता हूँ कि रट्टा लगाना तो आसान है, कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल। अब सुन लो इधर सर, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने नॉन कैश एक्सपेंस को ऐड किया, आइडियली मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ ये 50,000 हो गया, यानी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, सुनना मेरी बात, यानी मैं अपने शेयर होल्डर को ये दिखा रहा हूँ अभी कि मैंने नेट ड्यूरिंग द ईयर कितने रिसीव किए हैं, 50,000। कितने रिसीव किए हैं, 50,000। अब तुम सुनो, सेल कितने की चार्ज हुई थी पीएनएल में, 1,00,000 रुपए की। अब गेम है, सुनना मेरी बात, सेल कितने की चार्ज हुई थी, या बिल्कुल एनर्जेटिक, सेल कितने की चार्ज हुई थी, 1,00,000 रुपए की। मुझे एक बात बताओ, उससे पैसे कितने रिसीव हुए, 50,000। अब एक बात सुनो, क्या ये आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर, सुनना मेरी बात, 1,00,000 रुपए की सेल का इंपैक्ट शामिल है, ऑनेस्टली बताओ, ये समझ आ रही है बात सर, इसके अंदर 1,00,000 रुपए की सेल का इंपैक्ट शामिल है, जबकि आपको उसे रिसीव कितने हुए थे, 50,000, और मेरे ख्याल से वही 50 आपने पे भी कर दिए थे। अब देखो एक एक करके इसकी कहानी खोलता हूं, मैं कह सकता हूं सर इसके अंदर तीन चीजें शामिल हैं, सुनना, एक सेल है 1,00,000 रुपए की, एक COGS है कितने का, 50,000 रुपए का, ऐसा ही है भाई, या प्लीज फोकस के साथ, मैं कह रहा हूं सर इसके अंदर डेप्रिसिएशन है 10,000 रुपए का, यहां तक कहानी समझ आती है? चलिए जी सर, मैंने क्या किया, इस 10,000 रुपए को एड बैक किया तो इसका इंपैक्ट खत्म हो गया, मैंने जब इस 10,000 रुपए को एड बैक किया तो मेरे ख्याल से इन दोनों के नेट के इक्वल हो गया, ऐसा ही है भाई, मैं कह रहा हूं जब मैंने 10,000 रुपए को इसके अंदर एड किया तो ये दोनों के इक्वल हो गया, ये कितना हो गया इन दोनों का नेट, मैं बता रहा हूं कि क्या बैकएंड पे चल रहा होगा। एक एक करके, हाँ मुझे एक बात बताओ भाई, चलिए जी राइटिंग और क्लियर कर देते हैं, खोल खाल के आ जाओ भाई सर, हमने कहा कि सर सेल्स कितनी है इसके अंदर, 1,00,000 रुपए की, COGS कितना है इसके अंदर, 50,000 का, इसके अंदर डेप्रिसिएशन कितना है, यानी मैं ये कह रहा हूं एक पॉजिटिव है दो नेगेटिव है, ऐसा ही है भाई, ये मैं कह रहा हूं कि सर ये प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या, ये कंपोनेंट्स हैं ये तीन, मैं कह रहा हूं जब पीएनएल असल मिलेगा ना या कंपनी का मिलेगा उसके अंदर तो अनगिनत हजारों चीजें होंगी, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं डिफरेंसेस क्या क्या आएंगे, और वहां भी बता सकता हूं तुम्हें क्या क्या उसके अंदर, मैं बताऊं साथ साथ बोलोगे, इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स के कितने कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, डेप्रिसिएशन। आपका मकसद सिर्फ क्या है कि इस प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश इनफ्लो फॉर द ईयर में कन्वर्ट करो, मैंने तुम्हें अभी बता दिया है शुरू से कि इस प्रॉफिट फॉर द ईयर को अगर कैश इनफ्लो फॉर द ईयर से कंपेयर करोगे यानी कन्वर्ट करोगे तो कैश इनफ्लो फॉर द ईयर जीरो है। कैश इनफ्लो फॉर द ईयर जीरो कैसे, दिमाग लगाओ, आए कितने थे 50, गए कितने, बचा कितना, ड्यूरिंग द ईयर जीरो बचा, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग भी कितना,
ये बात समझ आ रही है, ये हो चुका होगा। मैं इससे रिकंसाइल करना सिखा रहा हूँ कि शेयर होल्डर को कैसे पता लगेगा। आप सुनना, आपको इतना पता है कि इस प्रॉफिट फॉर द ईयर को कैश इनफ्लो में कन्वर्ट करना है फॉर द ईयर वाले। आपने क्या किया, आपको याद आया यार इसमें एक चीज ऐसी है जिसका कैश पे कोई इम्पैक्ट, आपने क्या किया इसको एड बैक कर दिया। चलो भाई यहां तक समझ आता है, हमने इसको एड बैक किया, हाईलाइट कर दूं उसको। जब मैंने इसको एड बैक किया तो मेरे ख्याल से मेरे पास नेट बच गया 50,000 रुपए, यही बचा हुआ है ना, इसी का नेट है ये, हाँ या नहीं पहले बताओ, यहां तक क्लियर है? चले जी आगे। फिर मुझे याद आया, सुनना मेरी बात, फिर मुझे याद आया कि यार मैंने सेल की थी कितने की, जिसमें से रिसीव कितने हुए। अभी ऐसा लग रहा है कि मैंने 50,000 रुपए रिसीव किए हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे पास नेट कितने आए जेब में 50,000 रुपए। तो आपको IS-7 ये कहता है, जरा सुनना, कनेक्ट करूंगा आप। आपको IS-7 ये कहता है, when you are preparing cash flows, आप जरा एक नजर घुमा लेना, कहीं आपके रिसीवेबल इंक्रीज तो नहीं हो गए, कहीं आपके रिसीवेबल इंक्रीज इन रिसीवेबल ये शो कर रहा होगा कि आपकी सेल तो 100% चार्ज हो गई है। सुनना, आपकी सेल तो, मैं आपसे पूछ रहा हूं सेल कितनी चार्ज हुई है जबकि सिर्फ रिसीव कितने हुए थे। तो यानी मैं ये कह सकता हूं, सुनना मेरी बात, यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो आपकी सेल चार्ज हुई है 100% PNL के अंदर, वो 100% रिसीव, यानी मैं कह सकता हूं कि भाई ये जो आपका रिसीवेबल का डिफरेंस है ओपनिंग से क्लोजिंग का, यही कैश फ्लो को टैली नहीं होने दे रहा। जरा सुनो, क्या ये कैश फ्लो को टैली होने दे रहा है? यानी मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ भाई, सुनना मेरी बात, अब जब कैश फ्लो बना रहे होगे तो क्या वो सारी एडजस्टमेंट भूल जाओगे पुराने वाली, या वो अपनी जगह है? अच्छा, अगर सर वो अपनी जगह है, वो सारी की सारी एडजस्टमेंट, प्लीज सुनना, अगर वो सारी की सारी एडजस्टमेंट्स अपनी जगह है, तो एक चीज याद रखना, जब आप ये सारी एडजस्टमेंट्स करते हो, मैंने इससे पहले आपको क्लासेस में सिखाया था, ये नॉन कैश एडजस्टमेंट्स करने के बाद आप प्रॉफिट फॉर द ईयर पे पहुंच जाते हो, यानी प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाते हो, हाँ या नहीं? तो ये वाली एग्जांपल सिर्फ एक कर गया ताकि सबका दिमाग क्लियर हो जाए। जब मैंने ये एडजस्टमेंट्स की थी, प्लीज मेरे साथ सिर्फ एक काम करो, इन इन तीनों का नेट बताओ मुझे, इसका 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 और इसका, सिर्फ इनका नेट बताओ, सिर्फ इनका नेट बताओ मुझे, 1242460, 145,000 ऐड करो, 16880 इसमें लेस करो, और 856, 1370, नहीं गलत, 1456, यही है ना? यार देखो, मैंने तुम्हें ये सिखाया था उस वक्त, सुनना मेरी बात प्लीज, उस वक्त मैंने ये सिखाया था कि जब तुम ये एडजस्टमेंट्स पार करते हो ना, ये सारी एडजस्टमेंट्स, कौन सी एडजस्टमेंट्स है, डेप्रिसिएशन की, गेन ऑन डिस्पोजल की, इंटरेस्ट की, ये सारी एडजस्टमेंट्स पार करके टेक्निकली तुम्हें IS-7 कहां पहुंचा देता है, जीपी पे। मैं जीपी को, अब सुनना, अब कनेक्शन है, क्या मैं जीपी को प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कह सकता हूं? सर आप ऑपरेशन प्रॉफिट क्यों कह रहे हैं भाई? आप सुनना मेरी बात, आप बिजनेस किसका कर रहे हो, जो बेच रहे हो और जो कॉस्ट लग रही है, यही ऑपरेशन ही है ना। सर मैं क्या जीपी को टेक्निकली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कह सकता हूँ, हाँ या ना, मैं जवाब दो, यस सर। अब कहानी चेंज है, अब कहानी चेंज है, आज से पहले रिसीवेबल नहीं थे, आज से पहले, अब आखिरी बार मेरे साथ बोलोगे मैं आगे लेके चलूंगा। मुझे बताओ ये एडजस्टमेंट्स आपको कहाँ लेके जाती हैं? आप बोलेंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे, साथ साथ प्रॉफिट फ्रॉम, अच्छा अब मैं इस कहानी में थोड़ा सा चेंज ला रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होना अलग बात, कैश फ्रॉम ऑपरेशन होना अलग बात। सुनो, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होना और कैश फ्रॉम ऑपरेशन होना, इस वाले केस में जो लास्ट क्लास तक हमने किया था उसमें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन सेम था, क्योंकि कोई रिसीवेबल नहीं था। पर क्या मैं ये कह सकता हूं अब आगे वाले ऑनवर्ड केसेस में, प्लीज मेरी बात पे फोकस करना, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होना अलग बात होगी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन होना अलग बात। चले अब मैं जरा अपनी एग्जाम्पल पे, पहले यहां तक बहनों बता दो क्लियर है, पक्का जानी पीछे कोई भी इशू? हाँ जी, इंटरेस्ट पेड नहीं, इंटरेस्ट पेड नहीं, मैं ऊपर की बात कर रहा हूँ, सही है? मैं कह रहा हूँ भाई इंटरेस्ट पेड से पहले इसको कटा दो, यहां तक की एडजस्टमेंट मैंने सिखाई थी तुम्हें, जो भी एडजस्टमेंट पार करते हो ये एडजस्टमेंट नहीं है, पेमेंट है। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ, क्या ये एडजस्टमेंट थी, ये पेमेंट थी? एडजस्टमेंट होती है इससे ऊपर, ऐसा ही है भाई। फिर सुन लो, मैंने आपको कहा ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचते थे आज से पहले, पर आज से पहले प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन दोनों क्या थी? सेम बातें थी। पर आज के बाद जब हम
आप जीपी वाली बात वापस से, हुजैफा मैं वापस से बता रहा हूँ भाई, मैंने ये कहा कि जब मैंने ये तीन एडजस्टमेंट्स की, इसके अंदर ऐड किया, तो देखो मैं यहाँ पहुंच गया था 1456200, सही है हुजैफा? फिर मैं कहता हूँ मैं जीपी को टेक्निकली प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कह सकता हूँ, हाँ जी कह सकता हूँ सर, क्योंकि ऑपरेशन से यही तो कमाता हूँ मैं। फिर मैं कहता हूँ आज से पहले वाले सवालों में, आज से पहले वाले कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन दोनों क्या थी? सेम बातें थी, क्योंकि वहां पे कोई वर्किंग कैपिटल का रिसीवेबल का चक्कर नहीं था। पर क्या मैं कह सकता हूँ अब हो सकता है, क्योंकि अब वही सीख रहे हैं। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताएं, इस वाले कॉन्सेप्ट में जब मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट पार्क की, सुनना प्लीज 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 सुनना, क्या मैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गया? अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो देख लो, पीएनएल में भी यही था, ऐसा ही है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है ये 50? पर मैं क्या कहता हूँ कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन सेम है, या मैं ये कह सकता हूँ ऑपरेशन से कैश जीरो आया, ऑपरेशन से कैश, वो किसकी वजह से? रिसीवेबल की वजह से। यानी आपको स्टैंडर्ड ये कह रहा है आपका रिसीवेबल क्या हो चुका है। जब आप कैश फ्लो बना रहे होगे ना, आज के बाद सुनना, आप कनेक्शन है, आज के बाद सुनना, सबसे पहले वही कहानी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स रखोगे, इसके अंदर क्या पार्क करोगे? नॉन कैश नहीं, एडजस्टमेंट्स पार्क करोगे। क्या पार्क करोगे? क्या इन एडजस्टमेंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट हो सकती है? स्लो स्लो, क्या इन एडजस्टमेंट्स के अंदर वो जो गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल की एडजस्टमेंट हो सकती है? क्या इन एडजस्टमेंट्स के अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस की एडजस्टमेंट हो सकती है? यस सर। यानी सर आप ये सारी एडजस्टमेंट्स पार्क करके टेक्निकली पहुंच जाएंगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। अब अपनी बैलेंस शीट में नजर घुमाओगे, अपनी बैलेंस शीट में नजर घुमाओ, देखो जरा प्लीज यार, क्या कोई रिसीवेबल दिखता है? उसको लास्ट ईयर को करंट ईयर से कंपेयर करो, लास्ट ईयर को, अब मैं तुम्हें रीजन भी दूंगा इसका, लास्ट ईयर को किससे कंपेयर करो? दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो रिसीवेबल, या तो इस केस में इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। आप सुनो, इंक्रीज होने का मतलब यह है, सुनना मेरी बात, मैं लिखवाऊंगा भी, लिखूंगा भी, फिर भी छाप लेना। इंक्रीज का मतलब यह है कि आपके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में सेल 100% चार्ज हुई भी है, जबकि उसमें से कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूँ इंक्रीज इन रिसीवेबल, जितने से इंक्रीज हुआ है उतना ही पैसा फंसा हुआ है, यानी वो रिसीव नहीं हुआ। तो जरा मैं इन दोनों का डिफरेंस लूं, तो क्या यहाँ पे मैं वर्किंग कैपिटल की हेडिंग डाल के, वर्किंग कैपिटल, और यहां पे लिख दूं सर इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, कितने से क्या करूं, यहां से लेस कर दूं? अब प्लीज सुनना मेरी बात, सर मुझे एक बात बताओ, ये 50 और 50 क्या नेट इनफ्लो फॉर द ईयर जीरो हो गया? अच्छा, इसके अंदर ओपनिंग बैलेंस ऐड करूं कितने का था, क्लोजिंग कितना? यार अब एक चीज है, अब कनेक्शन है, आपने अपने शेयर होल्डर को टेक्निकली एक बात समझा दी, मैंने ये एडजस्टमेंट करके प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन तुम्हें निकाल के बता दिया, फिर शेयर होल्डर को बोलोगे कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन होना अलग बात, ऑपरेशन का कैश होना अलग बात, फिर आप उसको रीजन दे रहे हो कि क्यों प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन से अलग है। आपने बोला आपके रिसीवेबल क्या हो चुके हैं, जब आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो चुके हैं, जब आपके रिसीवेबल इंक्रीज हो चुके हैं, तो आप इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस करने का फिर लॉजिक भी है, इंक्रीज इन रिसीवेबल के लेस करने का लॉजिक ये है कि सेल पूरी चार्ज हो गई है, पैसे रिसीव नहीं हुए। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? पर यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशन में इसलिए कन्वर्ट नहीं हो रहा क्योंकि कुछ बचा ही नहीं है। कितना बचा था, इसमें क्या ऐड किया, बच कितना गया, क्लोजिंग। अच्छा जी एक मिनट, वाली बात रिपीट क्योंकि आवाज कट गई थी, ओके मैं तीसरी बार रिपीट किया भाई, मैं ये कह रहा हूँ आखिरी बार, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाते हो आज से पहले, हाँ या नहीं? अच्छा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक एक करके एडजस्टमेंट, क्या डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, क्या गेन ऑन डिस्पोजल की, क्या लॉस ऑन डिस्पोजल की, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंस की? अच्छा, फिर आपको इस बात पे इत्मीनान है कि ये सारी एडजस्टमेंट्स आपको ले जाती हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे, किस पे ले जाती हैं? आज से पहले वाले केसेस के अंदर, आज से पहले वाले केसेस के अंदर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल थे, पक्की बात है, क्योंकि कोई रिसीवेबल का चक्कर नहीं था। पर आज के बाद, क्योंकि आप सीखते जा रहे हो, आज के बाद ये कहोगे कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन? नो सर। किसकी वजह से डिफरेंस हो सकता है? रिसीवेबल, यानी अगर आपके रिसीवेबल क्या हो चुके हैं, तो आप अपने कैश फ्लो को क्लोज नहीं करना, पहले बैलेंस शीट पर नजर घुमाओ, देखो रिसीवेबल आ रहे हैं, अगर रिसीवेबल में इंक्रीज है तो आप क्या करेंगे,
लेस करेंगे, आपके IS-7 में भी सिर्फ ये लिखा हुआ है, व्हेनेवर योर रिसीवेबल इंक्रीजेस डिडक्ट इट फ्रॉम कैश फ्लो, खत्म। और उसकी लॉजिक समझ आ रही है कि आपके कैश फ्लो में से माइनस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि रिसीवेबल क्या हुए हैं और इंक्रीज को लेस करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है, आपकी सेल चार्ज हो गई पीएनएल में जबकि वो रिसीव। तो क्या मैं आप एक दिमाग बनाने के लिए ये कह सकता हूं सेल 100% चार्ज है पीएनएल में, सेल उसका पैसा रिसीव, तो क्या मैं यूं कह सकता हूं प्रॉफिट ज्यादा है कैश कम है, प्रॉफिट ज्यादा है कैश कम है। तो जब तक वो रिसीवेबल के इंक्रीज को माइनस नहीं करोगे उसका इंपैक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा। अब याद रहेगी वाली बात, यानी क्या आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे पहुंच के रुक जाओगे या रिसीवेबल को देखोगे? अगर वो इंक्रीज हो रहा होगा तो आखिरी बात इंक्रीज इन रिसीवेबल क्या इंडिकेट कर रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट कैश जो के रिसीव, तो जो रिसीव नहीं हुआ उसको लेस कर दो। अब छापो उसको जल्दी से। और एक बेसिक सा लिख देना अपने पास साइड में कि इंक्रीज इन रिसीवेबल को हमेशा लेस करेंगे, और पूरी कहानी लिखना जो मैंने बताई है। यानी कुछ पूछ रहे हो, वो कोई सवाल है नहीं है? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन टेक्निकली और ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सही है मोहम्मद बिन गौहर, क्योंकि ऑपरेशन से सेल और कॉस्ट ऑफ सेल्स ही होती है ना। जूम आउट करेंगे जानी, ये लोग भी बैठे हुए ना सामने, ये लोग नहीं कॉपी करेंगे, अपना मकसद देख रहा है। स्वाइप अप, माय गॉड, भाई ये तीन चीजें तो लिख ली ना तुम लोगों ने। चलें जी, गलत अलीजान, गलत रटा लगा रहे हो फिर। इंक्रीज इन रिसीवेबल डजंट मीन डिक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन रिसीवेबल का मतलब सिर्फ ये है कि पीएनएल में इनकम चार्ज हो गई वो रिसीव नहीं हुई इसलिए माइनस कर रहे हो, सही है? रिसीवेबल 50 लास्ट ईयर के मुकाबले में, उजैर लास्ट ईयर के मुकाबले में आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो चुका है ना, इस वजह से रिसीवेबल 50 का ही नहीं है, इंक्रीज है 50 का लास्ट ईयर के मुकाबले में। उजैर क्लियर है? देखो यहां से देख रहा है, अभी सवाल करेंगे, पहले इसका डिक्रीज भी बताऊंगा कि डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, फिर सवालों पे जाएंगे, क्योंकि हमारे बर्गर्स हैं जो ए लेवल वाले, उनको भी नहीं पता होती ये चीजें। हाँ बर्गर्स, हाँ यानी हम तो पीले स्कूल गए। हाँ जी, हाँ एडजस्टमेंट्स के बाद वर्किंग कैपिटल बनता है। यार एक चीज दिमाग में लगो जानी, मैंने तुम्हें ना, सुनो यार प्लीज बाबू, प्लीज प्लीज इधर सब देख लो, इधर बहनों इधर मुझे एक बात बताओ, हमने जो एडजस्टमेंट सीखी है, मैंने तुम्हें कहा था फॉर्मेट का रट्टा नहीं लगाना, सही है ना? फिर एक एक करके लॉजिक देता जा रहा हूँ, दिमाग में चीजें फिक्स हो रही है। मैं तुम्हें ये कह रहा था भाई एडजस्टमेंट करोगे वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे ले जाएगी, ऐसा ही है? अब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के बाद क्लोज नहीं करना, फिर कौन सी चीजें डालोगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या डालोगे? और वो इसलिए डालोगे ना, ये भी बता दिया। अच्छा ये टेक्निकली ना कैश फ्लो का फॉर्मेट ही बातों बातों में आता ज्यादा तुम्हें, कैश फ्लो का फॉर्मेट ही आ रहा है ना। एडजस्टमेंट्स के बाद जब आप लोग वर्किंग कैपिटल चेंजेस पार्क करेंगे तो आपके दिमाग में बैकएंड पे लॉजिक है कि वर्किंग कैपिटल चेंजेस को पार्क इसलिए कर रहे हो ताकि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को किसमें कन्वर्ट करो, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में, ऐसा ही है। और आपको दिख रहा है अगर बैलेंस शीट में वाजे है कि पिछले साल के मुकाबले में रिसीवेबल क्या हो चुके हैं, इंक्रीज हो चुके हैं, तो इट इंडिकेट्स कि सेल चार्ज हो चुकी है वो पैसा रिसीव, तो उसको क्या करो, लेस कर दो, वो किसके इक्वल हो जाएगा, कैश के इक्वल हो जाएगा। जी जानी कॉल अप करूं सर, अकाउंट रिसीवेबल का इंक्रीज होता हुए माइनस करना है रीजन। अबे वो ये क्या समझा है, मींस के प्रॉफिट इंपैक्ट को 50,000 से करना है रिसीवेबल के इंक्रीज से। बिल्कुल खुबैब, सिर्फ इतना याद क्यों नहीं रखते भाई, 1,00,000 की सेल हुई है, 50 रिसीव हुए हैं, तो 50 माइनस कर दिए, वो कैश के इक्वल आ गया। अमजद पूछ, तो तूने अभी ज्वाइन की क्लास अमजद, इससे पहले तेरा मैसेज तो नहीं देखा मुझे। जी यानी
ठंड लग रही है देखो, इधर आ जा। मतलब यहाँ पे एसी नहीं चल रहा यार, अभी यहाँ पे कोई है भी नहीं ना, हमारी बहन करीब उसके, थोड़ा बर्दाश्त कर ले यार। हाँ अमजद भाई कहाँ गए आप, प्लीज बता दें, अभी ज्वाइन किया आपने क्लास? मैं मतलब आपके पास आके पढ़ा दूंगा आपको, मैं मतलब हूँ इसलिए। सर इंक्रीज इन रिसीवेबल का मतलब है कि पीएनएल में ऑलरेडी एज एन इनकम चार्ज हो गई है और हम कैश फ्लो उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि वो रिसीव नहीं हुई। बिल्कुल ऐसा ही है भाई, सही कह रही है, हजार भी बार बता रहा हूँ आज के। मतलब ये आश्रय भी ये कह रहे हैं कि सर सुनना मेरी बात, कि सर इंक्रीज इन रिसीवेबल का मतलब यही है जो मैं हजारवीं बार बता रहा हूँ कि इनकम पूरी चार्ज हो चुकी है, पैसा रिसीव, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ उसको माइनस कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें हर एक लॉजिक भी दे दी कि एडजस्टमेंट्स के बाद प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचते हो, फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन डज नॉट इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेशन। बस अब तो ये मर जाएंगे ये लोग। अमजद तुम्हें क्या स्पेसिफिक मसला बताओ क्या था। नहीं नहीं यार मतलब सब इक्वल है, जानिए बता दे। बनेगा सब बना हुआ मिलेगा तुम्हें, स्क्रॉल अप करें जानी। अच्छा भाई क्या ये लॉजिकली समझना अच्छा है या मैं खाली आके बोलता है इंक्रीज इन रिसीवेबल को माइनस कर, तो ये अच्छा है लॉजिकली? अभी एक और सवाल आया रुको, हाँ 50,000 जो माइनस किया है वो रिसीव अमाउंट को शो कर रहा है या ये उस अमाउंट को शो कर रहा है जो रिसीव नहीं हुई? हसन, अनवर, मेरी जान, पप्पू, ये वो अमाउंट को रिसीव मैं शो कर रहा है जो रिसीव नहीं हुई, सही है? वेरी गुड। इस बार ये 100% आएगा, 25 नंबर का, 20 नंबर का, 100% आएगा, वरना मैं आ जाऊंगा तेरे पास। अबे आएगा, एक्सपीरियंस बोलता है, और हम मैं कराऊंगा भी नया सवाल वैसा ही चिपकेगा इंशाल्लाह। कंसोल के लगते हैं, लीज के लगते हैं सवाल, मतलब 3 अटेम्प्ट से ऐसा हो रहा है कि 40 नंबर का पेपर लग जाता है, तुम्हारा भी लगेगा इंशाल्लाह। या तुम्हें दे तो दिया पूरा हैंड आउट कैश लो का, तो ये भी उसी बुक में भी तो बंगी यही होगा। हाँ सोल्यूशन यहाँ है, साथ साथ करेंगे ना, सोल्यूशन भी दे दूंगा तो बच्चे बोलेंगे चल भाई तेरा काम हो गया। हाँ हाँ सर भी देंगे, असल में मसला ये है कि मैं हर टाइम में चेंज करता हूँ सवाल। अभी ये जो वो फॉर्मेट चेंज किया ना मैंने कि तुम्हें गड्ढा नहीं लगवाऊं फॉर्मेट का, वरना पहले क्लास में आके टीचर बोलता है ये ए बी सी डी ई एफ जी एच याद करो और जो जो आंसर आएगा यहाँ चिपकाते जाना, तो तुम दो चीजों में कंफ्यूज होते हैं, क्या फॉर्मेट याद करूं या कॉन्सेप्ट याद करूं, और फिर वो कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते। बच्चे बोलते हैं यार ये कुछ तो ऐसी भला है ना, ये कैश लो चीजें आती जा रही है, डालता जा रहा है, आंसर आता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। चलिए जी सर स्क्रॉल अप करते हैं भाई, और ये अपने पास लिखोगे अपनी जबान में लिखोगे कि इंक्रीज इन रिसीवेबल लेस इसलिए होता है क्योंकि इनकम पूरी चार्ज हो गई है वो रिसीव नहीं हुई, ये लिखना अपने पास याद रखने के लिए। ऑपरेशंस कहते हैं बिल्कुल। इंटरेस्ट एक्सपेंस को कौन सी हेडिंग में डालना है? एडजस्टमेंट्स की हेडिंग में, इंटरेस्ट पेड को सबसे आखिर में लेना है। हैंड आउट और यार होने तो चाहिए। बाबू एडमिन से ले ले, फिलहाल तो शेयर कर ले, से अभी तो कॉन्सेप्ट चलेगा ना, हो जाएगा। बाबू छाप लिया ये, जी हाँ हाँ जानी बोलो बिल्कुल, अभी सिखाएंगे ना, ये देखो ये रही,
अभी हम सीख रहे हैं रिसीवेबल, उसके बाद आएगा पेबल, उसके बाद आएगी इन्वेंट्री। बोल रहा हूँ गंदी हरकत तो नहीं करेगा? हाँ हाँ बाबू, फोर्थ हो गया ना, चौथे में अकाउंट्स पेबल का है। इंटरेस्ट पेबल सिखाया ही नहीं है तुम, इंटरेस्ट पेबल सिखा तो दिया ऑलरेडी। अरे यार जानी तुम हर्ड कर रहे हो वैसे। बाबू जल्दी जल्दी नहीं करो ना, क्या मसला है सर? कैश पेड फ्रॉम इंटरेस्ट पेबल वर्किंग कैपिटल की हेडिंग में आता है। यार मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम देके बोल रहा हूँ, हेडिंग नहीं सिखाई है मैंने तुम्हें यार, कॉन्सेप्ट तो सीख लो। मैंने सिर्फ तुम्हें इतना कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद, ओए जिंदा लाश हूँ इधर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद एडजस्टमेंट्स आती हैं, अब एडजस्टमेंट्स के बाद वर्किंग कैपिटल चेंजेस आएंगी, सही है? उसके बाद वही चोरंगी है जो पहले की थी। क्यों हेडिंग्स में जा रहे हो भाई? या तो मैं तुम बोलो अभी ये रोक के पहले मैं रटा लगवाता हूँ। एक बंदा बोल रहा है तुम्हें भाई नहीं लगाओ रटा, फिर तुम उसी में घुसे जा रहे हो। इधर देख लो भाई कॉन्सेप्चुअली, चलो भाईजान चले इसको आगे लेके अगली चोरंगी पे। यार प्लीज इधर सुनना यार, प्लीज इधर, इसको मैं गोली गोली बताऊंगा। अच्छा तुम्हें एक चीज पता है, जब भी आपके रिसीवेबल इंक्रीज होंगे तो क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे। सिंपल सी कहानी लिखी हुई है IAS 7 में, पर तुम्हें मैंने लॉजिकली बता दिया क्यों लेस होता है। आपका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट होता है इसकी वजह से, ऐसा ही है भाई। चले जी आगे, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इसको लेके जा रहा हूं अगले साल, मतलब अगले साल की एंट्री करते हैं। सिर्फ गोली गोली समझाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं बाकी सारी चीजें कांस्टेंट रखूं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, जरा इस पे फोकस करना। मैं चला गया भाई अगले साल 2021 में, मैंने क्या किया, सिंपल सिंपल एक काम किया, मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह सब होगा, मैं ऑनलाइन वालों तुम्हें स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, बाद में नहीं पूछना कि कैसे आया, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह सारी चीजें होंगी, मैं सिर्फ रिसीवेबल का इम्पैक्ट बता रहा हूँ, सही है? सुनना जरा, मैंने क्या किया भाई अगले साल जब 2021 में गया मैं, तो मैंने ये किया कि भाई मैंने कैश पे सेल्स की, कैश डेबिट और सेल्स 1 लाख रुपए। यार प्लीज सुनना यार, हुआ ये सुनना, अभी मैं किसी से भी पूछूंगा, तुम लोग जो सुट्टा मार के आया ना, तुम लोगों से स्पेसिफिकली पूछूंगा, अभी सारे धुएं निकालूंगा। रुक बे, मुझे बता अभी, तेरे को बताना तो पड़ेगा लाजमी। सही बिल्कुल भाई, हम 2021 में चले गए, 2021 में सेल कितने की है? मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह सारी अपनी जगह होंगी, सही है? उसके इम्पैक्ट को कैंसिल आउट करके बता रहा हूँ सिर्फ ये समझाने के लिए। मैंने किया कैश ही आ गई, क्या ऐसा हो सकता है पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हो? अच्छा मेरे ख्याल से वो रियलाइजेशन ऑफ कैश है, दैट्स इट, वो इनकम नहीं है, वो रियलाइजेशन ऑफ कैश है। मैंने यहाँ पे लिखा भाई, हमने यहाँ पे लिख दिया सर ये है रियलाइजेशन ऑफ कैश, ऐसा ही है भाई। अच्छा मैंने क्या किया भाई, इसकी एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कितने का रिसीवेबल था? या मैं कह रहा हूं अलॉन्ग विद एवरीथिंग सब होगा। अच्छा फिर अगले साल इस बात पे ईमान रखते हो ना कि अगले साल फिर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस की होगी, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, सब एडजस्टमेंट होंगी। वो सारी एडजस्टमेंट्स के बाद आप पहुंच जाओगे प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस पे। किस पे पहुंच जाओगे? पर अब क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन सेम होगा या अलग अलग? अच्छा आप सुने, अब आपको सुनना प्लीज यार, आपके पीएनएल में सेल्स कितनी चार्ज हुई हुई है? 1 लाख रुपए की, तो बेग ये 50,000 क्यों नहीं चार्ज हुआ हुआ? तो आ तो गया इस साल। हाँ? अच्छा पिछले साल की इनकम थी रियलाइज सिर्फ इस साल हुई, ये कह रहे हो ना? अच्छा जी चलें सर, यानी मैं कह सकता हूँ कि पीएनएल फॉर द ईयर बनता है और फॉर द ईयर में से फॉर द ईयर की इनकम होगी। चलें जी, पर क्या लाजमी है कैश भी नहीं आ सकता? कैश आ सकता है, तो मुझे एक बात बताओ क्या मैं देख सकता हूँ ये सामने विजिबल है मेरे पास कैश कितना आया ड्यूरिंग द ईयर? 1,50 का आपके सामने कैश कितना आया है? 1,50 का, यानी मैं कह सकता हूं मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर का इनफ्लो है कितने का? सर यार ये तो मैच ही नहीं हो रहा कैश फ्लो, रिसीवेबल की वजह से, किसकी वजह से?
अब देखते हैं कि क्या कहता है स्टैंडर्ड। सुनना, मैं कहता हूं लास्ट ईयर था मेरा 2020, करंट ईयर है 2021, कैश का लास्ट ईयर का बैलेंस 20,000 था। प्लीज सुनना यार, ये कनेक्शन है। ड्यूरिंग द ईयर इनफ्लो कितना हुआ है? 1,50 का, तो क्या 1,70 हो गया होगा? खुद सोचो, 1,50 आपके सामने मैंने दिखाया है, 20 ओपनिंग था, क्लोजिंग कितना हो गया? 1,70। ये अकाउंटिंग तुम करोगे, हुई भी होगी। वेरी गुड यार। अब मुझे एक बात बताओ, अकाउंट रिसीवेबल ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना? क्या आपका रिसीवेबल डिक्रीज हो चुका है? अब आपको स्टैंडर्ड ये कहता है, जरा सुनना फिर बाद में लिखना। आपको आपका IS-7 ये कहता है, व्हेन एवर योर रिसीवेबल डिक्रीजेस, इट इंडिकेट्स कि आपका लास्ट ईयर का पैसा इस साल रिसीव हुआ है। जबकि लास्ट ईयर का पैसा जो इस साल रिसीव हुआ है, उसके इस साल के PNL में कोई इम्पैक्ट नहीं है। यानी ये बात समझते हो, जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा उसके अंदर सिर्फ 1,00,000 होगा, 50,000 का इम्पैक्ट। तो क्या मैं ये कह सकता हूं वो 50,000 नीचे कैश में तो शामिल है, ऊपर प्रॉफिट में शामिल? तो क्या मैं वापस से ये कह सकता हूँ कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और कैश फ्रॉम ऑपरेशन दो अलग चीज है? अच्छा, तो क्या पिछले साल का पैसा जब इस साल रिसीव हो रहा है तो रिसीवेबल क्या हो रहा है? तो रिसीवेबल जब डिक्रीज होता है तो वो कहता है कि आप इसको ऐड करना। और ऐड करने की लॉजिक समझ आ रही है कि पिछले साल का पैसा, जबकि PNL में सिर्फ इस साल की इनकम है, तो जब तक उसको ऐड नहीं करोगे तब तक वो उसके इक्वल नहीं होगा। तो सर मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे मैं इसको ऐड करूं? सर यहाँ पे हेडिंग डालूंगा सर, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब क्या लिखूं यहाँ पे? डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल कितने से भाई? क्या आपका प्रॉफिट अब, अशबाल एक मैं बता रहा हूं, रुक जा, क्या आपका प्रॉफिट अब कैश इनफ्लो में बदल गया? अच्छा जी, ये आ गया। इसके अंदर क्या ऐड करूं? ओपनिंग किसके इक्वल आ गया? 1,70। क्या ये मेरी बैलेंस शीट से मैच कर रहा है? यस सर। तो फिर मुझे एक बात बताओ, आज के बाद प्लीज गोली गोली फिर छापना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स उठाओगे, उसके अंदर डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस की, गेन ऑन डिस्पोजल, लॉस ऑन डिस्पोजल, ये सारी एडजस्टमेंट का कहां पहुंचोगे? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे कहां पहुंचोगे? अच्छा, सवाल यहां क्लोज नहीं करोगे, देखोगे बैलेंस शीट में कोई रिसीवेबल तो नहीं है। अगर रिसीवेबल हो रहा है इंक्रीज, तो लेस करोगे ऐड? लॉजिक दो, एक एक कोई कोई और नहीं बोलेगा जिससे पूछूंगा, बहन आप, हाँ लॉजिक दो जल्दी। रिसीवेबल में इंक्रीज को हम क्यों लेस करेंगे? उल्टा बोल रही हो, उल्टा बोल रही हो भाई, क्या सही कह रही है? सेल्स में चार्ज हुआ हुआ होगा और कैश रिसीव, तो यानी इनकम ज्यादा है कैश, तो उसको क्या करूंगा? लेस करूंगा, ऐसा ही है। आप बताओ उसका ऑपोजिट, अगले साल अगर मेरा रिसीवेबल डिक्रीज हो रहा है, क्यों बताओ बहन, क्यों ऐड क्यों? लॉजिक के साथ ऐड, प्लीज कोई नहीं बताएगा। क्यों? इनकम पिछले साल की है, बताओ। यानी आप कहना चाह रही हैं कि यही कहना चाह रही हैं बाबू इधर, कि प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, यानी PNL फॉर द ईयर बनता है, और जब पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इस साल के PNL में, तो कैश में तो होगा ना। तो जब भी रिसीवेबल डिक्रीज होंगे तो इट इंडिकेट्स कि पिछले साल का पैसा, तो जब तक उसको ऐड नहीं करूंगा वो कैश के इक्वल नहीं होगा। तो याद रहेगी ये बात सिंपल, अगर सीखने चाहें, रिसीवेबल जब इंक्रीज होगा तो लेस होगा, रिसीवेबल जब डिक्रीज होगा तो ऐड होगा, दोनों की लॉजिक्स पता है? छापो उसको जल्दी से, अगले साल को। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद, अजबाल कैश 1,70 ऐसे हुआ ड्यूरिंग द ईयर, देखो ना एंट्री में 1,50 आया है, ओपनिंग था मेरे पास 20। अली जैन डिक्रीज की लॉजिक बता देता हूं। अली मुझे एक बात बताओ, क्या इस साल तुमने 1,00,000 की सेल की? या जानी प्लीज बातें नहीं यार,
अलीजान क्या तुमने 1 साल की सेल की? आई थिंक यू आर नॉट फोकसिंग भाई, मतलब बहुत स्लो है ये। 1 साल की, 1 लाख रुपए की सेल की इस साल की ना, पीएनएल बनता है फॉर द ईयर। अली मुझे बताओ क्या ये पीएनएल में चार्ज हो चुका होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो चुका होगा? सही है अली। अच्छा फिर हुआ ये कि इस बार पिछले साल का पैसा भी रिसीव हुआ है, इस पूरी एंट्री का क्या पीएनएल के ऊपर इंपैक्ट है? हाँ जी, इस एंट्री का पीएनएल पे इंपैक्ट है या सिर्फ रियलाइजेशन ऑफ कैश है? अच्छा जी, यानी मुझे इतना पता है कि मेरे पास ड्यूरिंग द ईयर 1,50 आया है, सही है, और मेरे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना है? 1 लाख, सही है। तो मुझे एक बात बता दो भाई अली जैन, क्या क्या मेरा रिसीवेबल 0 हो चुका है पिछले साल के मुकाबले में? सेट है। तो मुझे एक बात बताओ, पीएनएल में मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपए, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर का बनता है, नीचे कैश में पिछले साल का पैसा भी आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, जब भी रिसीवेबल कम हो रहा है तो इट इंडिकेट्स कि पिछले साल का पैसा आज रिसीव हो चुका है, जिसके इंपैक्ट इस साल के पीएनएल में शामिल नहीं है, तो इसलिए आप उसको क्या करोगे, एड बैक कर दोगे। क्लियर है लीजन? देखो मैंने भी एड बैक किया तभी वो इनफ्लो के इक्वल आया है। सही है जी, सेम होंगे। क्या ये सही कह रहे हैं कि सर हमारे पास अगर वर्किंग कैपिटल नहीं हो तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन और इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेशन सेम होगा? सही कह रहा है ये? जी सर बिल्कुल सही कह रहा है। हाँ भाई चलें क्वेश्चन पे, स्वाइप करें। बिल्कुल कर देंगे खूब ऐप। अच्छा यार जानी, इधर इधर आ जाओ क्वेश्चन पे बाबू, क्वेश्चन नंबर 4 प्लीज। इसमें करेक्शन कर लो बाबू, इसमें करेक्शन कर लो भाई। ये है 46500, आपका ये प्रॉफिट चेंज होके हो जाएगा 50। आपको जिन जिन लोगों को मैंने ये हैंडआउट दिया हुआ है और जिनको मैंने अभी ऑनलाइन भेजा है, ऑनलाइन में ये बिल्कुल सही करके दिया हुआ है मैंने, अभी जिनके पास हैंडआउट है वो ये करेक्शन कर लें, डेप्रिसिएशन को करें 46500, और आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चेंज हो जाएगा जल्दी से। जी हैंडआउट यार बाबू, वहां जा रहा है ना, हैंडआउट बोल दियो अंदर राइट में, सब ले आएगा वो। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में ये करेक्शन करनी है, और जो ऑनलाइन वाले हैं उनको बिल्कुल सही हैंडआउट मिला हुआ है, सही है, इसमें ये करेक्शन है, तुम्हारे पास जो है वो सही कर ले। अभी आपका समय शुरू होता है, जल्दी से करके दिखाएं ये सवाल। अभी न्यू भेजी है अहमद नवीद, अभी अभी देखो ग्रुप चेक करो, आई होगी, आ गई ना ग्रुप पे? अच्छा ही नहीं कुछ इसमें, हाँ भाई तुम अगर भूल गए होगे तो कैश फ्लो सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले बैलेंस शीट का पहला लाइन आइटम उठाओगे,
उसके अंदर एडजस्टमेंट्स पार्क करोगे, कैश फ्लो की चीजें निकालोगे। याद आ रहा, भूल गए? ये सही की करेक्शन की। डेप्रिसिएशन की और पीवीडी भी चेंज हो जाएगा, 625100 हो जाएगा। भाई ऑनलाइन वालों ये बता दो, फाइल मिल गई तुम्हें? ओके यार, हैंडआउट लास्ट क्लास में कुछ बचे थे? नहीं बचे हुए, बचे हुए थे, देखो। नहीं है यहाँ पे, ये सी ए फाइनल के हैं। नहीं वहां पे 100% होंगे, एडमिन में नहीं है। हाँ 30 काफी होंगे, ऐसा हो नहीं सकता क्या ना हो? अभी जो ऑनलाइन वालों को दिया ना जानी, वो सही है बिल्कुल, ये करेक्शन है बस। हाँ अब नहीं बर्दाश्त हो रहा यार, अभी बोल देते हैं। हाँ हाँ बोल रहा हूँ, वो एसी स्लो कर देंगे आप वाला, उसको स्लो कर देना, इसकी मुंडी ऊपर कर देना प्लीज, थैंक यू। हाँ बाबू, हाँ वही मतलब बताई भी है ना, अगर नहीं बताऊंगा तो यहाँ से उठाते, अगर यहाँ नहीं बताया हुआ तो यहाँ से उठाते है ना। हाँ अकाउंट रिसीवेबल दिया हुआ है ना, नहीं टी अकाउंट नहीं बनाना होता रिसीवेबल का कभी भी। डन मैच है। आ रहा हूँ एक मिनट। पीपी का बैलेंसिंग फिगर कैरिंग अमाउंट सेलिंग प्राइस बन जाएगी। हाँ ये तो तुम खुद देखेगा ना उस्ताद, इतना सवाल कर रहे हैं, सोचो रीड करो क्या लिखा हुआ है। तो आज सुला भी देता हूँ, आजा वापस। हाँ नहीं सोच, लास्ट क्लास में करवाया था, बैलेंस डालेंगे पेमेंट निकलेगी अकाउंट से, तू बताना यार बबलू उसको। आ जाओ भाई, नहीं होगा तुम लोगों से ये। अच्छा सॉरी करो। हाँ तू हमेशा यही कहेगा मुझसे नहीं होगा जी, नहीं मैं दूसरे भी देख के समझ लूंगा। बता बता उसमें बैलेंस आ रहा है ना, तो तुम यही तो बैलेंस हो गया। अबे तो एक्सपेंस को तुमने पेमेंट में नेट कन्वर्ट कर दिया ना, इसलिए नहीं आ रहा।
इंटरेस्ट पेबल को तुमने नेट ले लिया ना, फिर अभी करवा दो ना जाने, थोड़ा सा रुक जा बस। क्या हो गया? करवा रहा हूँ ना अभी। हो गया मैच? अभी देखते हैं सुफियान। मैच हो गया रमशा, वेरी गुड। हो गया भाई मैच, आ जाओ भाई। यार इस सवाल में सबसे पहले पीपी का अगर डी अकाउंट दिया हुआ है मुझे, तो उसके अंदर डेपोजिशन दिया हुआ है 465000 का। सर ये आ गया। इसके बाद इस सवाल में क्या तुम्हें एडिशन बताई हुई, डिस्पोजल बताया है? एडिशन बताई हुई कितने की? 156200। सर ये आ गई एडिशन। अच्छा जी सर, इस अकाउंट में ओपनिंग था 725 का, एडिशन हुई 156200, डेप्रिशिएट इतना हो गया, फिर भी इससे कम बचा हुआ है, किस वजह से? डिस्पोजल। चलें जी फिर मुझे एक बात बताया, अगर ये डिस्पोजल होगा तो ये बुक वैल्यू निकलेगी यहां से, तो फिर सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? गेन ऐड करके। वेरी गुड सर। अब मुझे एक बात बताना भाई, यहाँ पे आ गया डिस्पोजल, कितना आ रहा है ये बैलेंसिंग फिगर? यही है सर। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, हमें सवाल में गेन दिया हुआ है कितने का? 40200। कैरिंग अमाउंट मुझे पता है कितनी है भाई, 25500। यहाँ पे कोई सेलिंग प्राइस सही होगी जिसमें से ये माइनस होके ये गेन आया होगा। सेलिंग प्राइस कितनी है? 657000। यही है भाई। चलिए जी सर, ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। इसके बाद क्या हमें डेटर का अकाउंट बनाने की नीड है? नो सर, वो तो खाली ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस आएगा ना, सीधा सीधा वर्किंग कैपिटल में ले जाएंगे। एक और बात बताओ, क्या इंटरेस्ट पेबल का अकाउंट बनाने की नीड है? क्योंकि उसमें से एक्सपेंस डाल के पेमेंट निकालूंगा, ऐसा ही है भाई? ओपनिंग और क्लोजिंग सर, ओपनिंग है यहाँ पे 25680 और ये आ गया 51280। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया कितना? तो पेमेंट कितने की हुई है?
अच्छा ये सर आप मुझे बताएं मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? सर यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्टमेंट्स, सर सबसे पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये मैं ऐड बैक इसलिए करता हूँ क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, ऐड बैक करेंगे हम 4,600। अच्छा ये गेन ऑन डिस्पोजल, लेस करूंगा ताकि इंपैक्ट कैंसिल आउट हो जाए इसका। अच्छा जी इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, इसको भी ऐड बैक करूंगा। अच्छा प्लीज खाली समझने के लिए, इन सबको नेट करूं अगर मैं तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, नहीं समझ आता तो करके देखो वहीं पहुंच जाओगे ऊपर की चोरेंगी, पैसा जीपी के इक्वल होगा, देखो करके इन सबको नेट करो जीपी के इक्वल होगा। आ रहा सर ये 6,820,000 के इक्वल आ रहा है? डिस्पोजल को पूरा तो ऐड करें दोबारा है, ओ भाई गेन ऐड होता है, क्या हो गया, वो तो बाकी नीचे आएंगी ना चीजें। हाँ भाई क्या ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैं 6,251,000 इस पे पहुंचता हूँ 6,820,000 पे? अच्छा आइडियली, आइडियली प्लीज मेरी बात सुनना, आइडियली अगर मैं देखूं इतना ही पैसा मेरे पास आना चाहिए ऑपरेशन से, भाई मैं कह रहा हूँ ना ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट, आइडियली पैसा भी इतना ही होना चाहिए मेरी जेब में, हाँ या नहीं? अच्छा पर मैं कहता हूँ क्या आपका पैसा इतना है या कुछ पैसा रुका हुआ है? चले अब देख लेते हैं कैसे पता लगेगा मुझे। आपका रिसीवेबल पहले था 2,50,000 का, अब कितना है? यही है भाई, यानी आपका रिसीवेबल क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। अब जरा प्लीज यार फोकस के साथ मुझे एक बात बता, जब आपका रिसीवेबल इंक्रीज हो चुका है तो क्या ये इंडिकेशन है इसकी कि आपकी सेल तो पूरी चार्ज हुई है पर वो पैसा रिसीव नहीं हुआ? तो मेरे ख्याल से ये जो आप एडजस्टमेंट्स के बाद 6,820,000 पे पहुंचे हो, इसमें से कुछ पैसा अभी ऐसा है जो येट टू बी रिसीव्ड है, तो क्या वो इनकम नहीं थी? क्या वो इनकम नहीं थी? सर इनकम तो थी, वो पीएनएल में चार्ज भी हो गई है बट वो रिसीव, इसीलिए तो कैश फ्लो बनाते हैं। तो क्या मैं इंक्रीज इन डेटर को लेस करूं? यस सर। अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहां पे लिख दिया भाई इंक्रीज इन डेटर पर, उससे पहले एक हेडिंग डालूंगा। वेरी गुड यार जी जानी, क्या कह रहे हो उसके बाद करेंगे ना, पहले देखो हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसमें से पेमेंट्स करते हैं, सही है? इस वजह से चलिए जी सर, हमने क्या कहा भाई इंक्रीज इन रिसीवेबल कितना है? 455। अच्छा मेरे ख्याल से अब यार जरा सुकून से सुनना, मेरे ख्याल से अब तुम्हारा वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हो चुका है, अब हो गया। अब क्या मैं कैश फ्रॉम ऑपरेशन में से बाकी खर्चे कर सकता हूँ? अब सुने, अब बाकी खर्चों में क्या क्या आ रहा है जरा ये देखें, क्या मैंने इंटरेस्ट पे किया है? लॉजिकल वे में समझा भाई, इंटरेस्ट पेड कितना है? तो ये आ गया 25,000 पे, ये पेमेंट की, ऐसा ही है भाई। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जब आपने प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट किया, उस कैश फ्रॉम ऑपरेशन में आपने इतनी पेमेंट की, उस कैश में से क्या इसके अलावा पीपी भी खरीदा है? कितने का? अब एक मिनट की बात सुन लेते हैं सर, पीपी की एडिशन एंड डिस्पोजल को पहले शो कर दिया वर्किंग कैपिटल से, तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जानी, मैंने तुम्हें ये कहा है कि हेडिंग का रट्टा नहीं लगा, उसका मतलब ये नहीं कोई भी चीज कहीं भी डाल दोगे, सही है? सीक्वेंस मुझे बताया है ऑलरेडी यार, इधर बाई पीपी एक्वायर्ड 1, यही है भाई। अच्छा यानी सुनो यार प्लीज, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचा, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसमें से पहला खर्चा किया क्या? इंटरेस्ट पे किया। दूसरा खर्चा किया पीपी एक्वायर किया, समझ आ रही है बात? इसके बैकएंड पे अपनी अपनी लॉजिक्स भी हैं। अब इसके बाद सर क्या पीपी डिस्पोज किया है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेट इनफ्लो है या आउटफ्लो है? कितने का?
यही है, यानी आप ये कह रहे हैं आपने इस साल में फॉर द ईयर में इतना पैसा लेके आया नेट बेसिस पे, अगर इसको मैं ओपनिंग में ऐड करूं किसके इक्वल होना चाहिए क्लोजिंग पे, तो सर ओपनिंग बैलेंस कितना है 456,250, डबल सेवन, क्या ये क्लोजिंग के इक्वल है? अच्छा ये सुफियान कह रहे हैं 657,00 को सीन समझा दें भाई, ये रहा गेन इतने का था, कैरिंग अमाउंट तुमने यहां से निकाली, बैलेंसिंग फिगर ये निकाल ले सेलिंग प्राइस सुफियान, सही है, सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई थी, मैंने वर्क बैक करके निकाली है कि कोई सेलिंग प्राइस होगी जिसमें से कैरिंग अमाउंट माइनस हुई होगी तो ये गेन आया होगा, सही है सुफियान? हाँ भाई कितने लोगों का सही हो गया था ये? तू तो वैसे ही चीता है, तू नहीं हुआ था सही, क्योंकि आपने अकाउंट में अलग डाला होगा, यहां पे अलग डाला होगा इस वजह से। सुनो आपने पीपी के टी अकाउंट में, ये तुम लोगों के लिए रेलेवेंट नहीं है, सिर्फ इसके लिए है, आपने जो पीपी के टी अकाउंट में डाला होगा ना, वो जो नीचे लिखा हुआ है वो डाला होगा, ऐसा ही है 465 वाला, देखो सवाल में लिखा हुआ है नीचे, तुमने वो डाला होगा वहां पे, और मैंने सवाल बनाते वक्त भी वही इनकॉर्पोरेट किया था, और पीएनएल में तुमने वो डाला जो पीएनएल में आ रहा है, तो पीएनएल में पीएनएल का इंपैक्ट जीरो हो गया, वहां पे एक्चुअल इंपैक्ट आ गया, सही है सर? इक्वल आए तो क्या, इक्वल नहीं आए तो क्या करेंगे, तो एग्जामिनर वापस बुलाएगा अगली बार, मतलब क्या करेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे ना, सही हो जाएगा। इधर जी जानी स्क्रॉल डाउन करूं, क्यों नहीं 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 गलत प्रेजेंटेशन गलत है, करोगे तुम अभी डीट बना दूंगा तुम्हें, देखो हाँ जी जानी। अच्छा भाई अभी मैं सबको बता देता हूँ ना ये बात, सुन लो कोई मसला नहीं है भाई, एक बच्चे ने ये कहा, इधर सुनो पप्पू इधर जानी, एक बच्चे ने ये कहा कि सर आप इतना दिमाग क्यों लगवा रहे हैं, ये जो सामने सामने दिए हुए शुरू ही वहां से करें, ऊपर से ये बोले शुरू ही यहाँ से करें, ऐसा ही है ना, नीचे से ऊपर जाऊं तो मैं भी तो यही किया है, पर ये तो मैंने सवाल जो डिजाइन किए ना, इसमें सारी चीजें तुम्हें फेस पे दिख रही हैं, अब एक एक करके सीखो मेरे से। ये मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ जानी, अब ये किसी ने मिस किया है ना, इधर देख रहे हो पप्पू इधर सब, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने जैसे बात कही, और ऑनलाइन में तुम भी सुनो, ये कह रहे हैं कि सर आप तो इस ये फेस पे जो दी हुई है फिगर्स यहाँ से शुरू करें, ये एड बैक करें, यहीं पहुंच जाएंगे हम, वैसे भी यहीं पहुंचे ना प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे, फिर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को किसमें कन्वर्ट किया, कैश फ्रॉम ऑपरेशन में। ये तो मैंने सवाल डिजाइन ऐसे किए तुम्हारी सहूलत के लिए, आसानी के लिए, कि तुम्हें समझ आए चीजें कैसे चलती हैं, आगे जाके जो सवाल आएंगे उसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अलग से नहीं दिख रहा होगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर शामिल होगा, क्योंकि सुनना मेरी बात, जब कंपनी डेप्रिसिएशन बुक करती है ना, तो उस कंपनी में सुनना मल्टीपल जगहों पर एसेट्स होते हैं, फैक्ट्री में प्लांट लगा हुआ होता है, तो उसका डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ सेल्स में चार्ज हुआ हुआ होता है। अब तुम गेम देखो इधर, जब फैक्ट्री में प्लांट लगता है भाई, क्लासिफिकेशन भी तो है ना भाई, ये सारी क्लासिफाइड आइटम्स है ना अलग अलग, तो जो जहां की चीज होगी वहां पे चार्ज होगी। अब एक एक चीज करके पीएनएल के अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस भी आ रहे होंगे, तो उसके अंदर सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर भी डेप्रिसिएशन होगा। आप बोलोगे ये तो सिर्फ नई चीज बता रहे हैं आप, सेलिंग सुनना, सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन इसलिए आएगा क्योंकि जो सेलिंग की टीम होती है उनको तुमने कार वगैरह दी हुई होती है यूज करने के लिए, उसका डेप्रिसिएशन ना कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा ना ऑपरेटिंग में जाएगा, वो कहाँ जाएगा, सेलिंग में। तो तुम अब जाके देखो उल्टा नहीं जा सकते, सही है? तो जो चीज बना के आया हूं ना, किसी मकसद से बना के आया हूं, ये सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें आसानी रहे, तुम्हें पता लग रहा है, अब आगे जाके जब तुम सवाल करोगे ना, तुम्हें पता थोड़ी ना लगेगा कैसे पहुंचे हो, अल्टीमेटली पहुंचोगे यहाँ पे, पर क्या इतना याद रखोगे तब कि तुम ये एडजस्टमेंट सिर्फ इसलिए पार्क करते हो ताकि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच जाओ, हाँ या नहीं? फिर उस प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन को किसमें कन्वर्ट करते हो? अच्छा सवाल था ये, सही है, पर याद रखना ये प्रैक्टिकली नहीं होता, प्रैक्टिकली फेस बनी इतनी चीजें, प्रैक्टिकली क्लब होती है बहुत सारी चीजें, तो हम कन्वर्ट करते हैं उसको। अब जब सुनना यार प्लीज, या इधर जानिए, एक आखिरी चीज सिखा रहा हूं, इस सवाल के अंदर आपको ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मिला था
46500, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर, अब एक एक करके फोकस के साथ। अरे थैंक यू सो मच भाई, इधर देखो सर, ये मिला था 46500, ऐसा ही है, आपको देखो पीएनएल के फेस पे दिख रही है। जब आप सवाल करोगे ना प्रैक्टिकली क्या हुआ हुआ होगा, ये 46500 जो आप निकालोगे ना यहाँ अकाउंट से, असल में डेप्रिसिएशन यही होगा, पर ये डिफरेंट जगह पे फैला हुआ होगा, कुछ कॉस्ट ऑफ सेल्स में होगा, कुछ सेलिंग में होगा, कुछ एडमिन में होगा, ये बात समझ आ रही है। पर इन एनी केस आपको पता है ये टोटल इम्पैक्ट गलत है, ये टोटल इम्पैक्ट ऐसा है जिसका कोई कैश का इम्पैक्ट नहीं है। तो आप क्या अलग अलग ऐड करोगे, क्यूमुलेटिव ऐड करोगे, पर अल्टीमेटली वो सारी जगहों से निकल के वहां पहुंच जाएगा, समझ आ रही है बात। तभी मैं कह रहा हूँ कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करके ये चीजें करनी है, सेट है भाई? ओके जी, अब आगे आ जाओ सर अगले सवाल पे। अच्छा अगले सवाल पे जाने से पहले एक नमूना तुम्हें और दिखाना चाहता हूँ इसका, कि वाकई मैंने जो कह रहा हूँ कि जो ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है कैश फ्रॉम ऑपरेशन में कन्वर्ट हुआ था, सीखनी है एडिशनल चीज बस ऐसे ही, अब वो बनाना नहीं है पेपर में, सिर्फ तुम्हारे लिए ये सुनना, या प्लीज यार फोकस करके, ये तुम्हारा एडिशनल बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ एडिशनल, ये खुदा के वास्ते ये नहीं बोलना सर आपने अगले सवाल में ऐसे क्यों नहीं किया, खुदा के वास्ते मैं सिर्फ एडिशनल बता रहा हूँ तुम्हें। इधर देखो सर, मैंने किया ये कि भाई मैंने अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट बना लिया, प्लीज यार ओपनिंग कितना है रिसीवेबल का, कितना है भाई सर? 2.5 लाख, और क्लोजिंग कितना है? क्लोजिंग आ गया सर 7,05,000, ऐसा ही है। प्लीज यार सुनना, होता यह है ड्यूरिंग द ईयर जब सेल होती है तो रिसीवेबल क्या होता है, उसकी एंट्री क्या बनती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट ऑफ सेल्स, यानी ये जो फॉर द ईयर की सेल्स है इससे मेरे रिसीवेबल क्या हुए होंगे, इंक्रीज हो गए होंगे, ये पीएनएल में सेल ऑलरेडी चार्ज हो चुकी है। चलिए जी सर, मैंने क्या किया है यहाँ पे सेल पार्क की, सेल्स कितनी है 1705000, प्लीज मेरी बात सुनना यार, अज्यूम कर रहा हूँ ना कोई बैड डेट है ना कोई मैंने डिस्काउंट दिया है, वरना तो वो इस साइड पे आते हैं ना, जिससे रिसीवेबल क्या होता है कम होता है। मैंने कहा कि ओपनिंग है 2.5 लाख, सेल इतने की हुई, मेरा टोटल रिसीवेबल ऐड करके बताओ कितना होना चाहिए, इन दोनों को ऐड करके 1955500, ऐसा ही है भाई 000, इतना रिसीवेबल होना चाहिए, 1955500 का रिसीवेबल होना चाहिए, बचा कितना है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, ना कोई बैड डेट है ना कुछ है, दैट मींस कि वो पैसे रिसीव हो गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ कितने पैसे रिसीव हुए हैं, 125, यही है। अच्छा क्या मैं कह सकता हूं मेरे ऑपरेशन में से रिसीवेबल मेरे कस्टमर से पैसा इतना आया है, क्या मैं कह सकता हूँ रिसीट फ्रॉम कस्टमर ये है, और कस्टमर से रिसीट तब आती है जब बिजनेस करते हो, और बिजनेस करना मतलब ऑपरेशन, ऐसा ही है भाई। चले इस पैसे को कमाने के लिए आपने ये खर्चा भी तो किया है, ये ऑपरेशन का खर्चा है ना, ये ऑपरेशन की रिसीट है जो यहाँ पे रिसीवेबल में आ रही थी, क्या ये ऑपरेशन की रिसीट है 1250000, यानी मैं कह रहा हूं मेरा कस्टमर से पैसा इतना आया, प्लीज सुनना, कस्टमर से रिसीट आई है प्लीज, कितने की आई है 125, यही है भाई। अच्छा फिर मुझे एक बात बताओ, कस्टमर से इतना पैसा लेने के लिए इतना खर्चा भी तो किया है। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे पता ये खर्चा, मैं कह रहा हूँ कोई पेबल का अकाउंट ही नहीं है, तो जो एक्सपेंस है वो इक्वलेंट टू कैश है, जरा 1023000 को मैं माइनस करूं, 1023000 कितना आ रहा है 227,000। क्या मैं कह सकता हूँ ड्यूरिंग द ईयर मैंने अपने ऑपरेशन से इतना कैश जनरेट किया है, ये इनकम नहीं है ये क्या है, मैंने निकाल के दिखाई है तुम्हें पूरी इनकम और कैश में कन्वर्ट किया भाई, क्या ये इनकम है, कैश है। क्या मैं कह सकता हूँ ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है, अगर मैं गधा मजदूरी करूँ ना तो ये आना चाहिए। अब सुनो जरा से एक काम करो, आपने कहा था मुझे ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, आपने कहा था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है, पर मैंने आपको एक और चीज कही थी ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा किसके अंदर, कैश फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। अब जरा देखिएगा फोकस, जरा आपका रिसीवेबल बताएं इंक्रीज हुआ था, यानी ये वही पैसा है जो फंस गया जो मिला नहीं है, सही है, इन दोनों का डिफरेंस कितना था, यही है। तो सर जरा से एक काम करें,
6820000 में से ये माइनस करें, ये माइनस करें, 6820000 में से ये माइनस करें, 227 आ रहा है। यानी सर मैंने से तुम्हें एक प्रूफ की ये चीज कि सर देखें जो मैं कराता हूँ ना उसके पीछे बेसिस है। मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यही आना चाहिए ना कैश, क्या मैंने इसमें भी यही किया था? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में से ये माइनस करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गया, तो चाहे यहाँ से अकाउंटिंग करो या वहां से अकाउंटिंग करो बात एक ही है। पर एक बात याद रखनी चाहिए तुम्हें, एडजस्टमेंट्स के बाद किस पे पहुंचते हो? प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे। किस पे पहुंचोगे फिर? क्या वो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल होगा? उसके अंदर से क्या माइनस करोगे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा तो डिक्रीज हो रहा तो एड। दोनों की लॉजिक्स पता है? चलिए जी सर, ये छापने की नीड नहीं है, इसे समझाने के लिए था। आ जाओ सर अगले सवाल पे। टी अकाउंट में सेल डाली और कैश निकाल लिया, तो मैंने अज्यूम भी तो करवाया कि कुछ भी नहीं है। सवाल ही मैंने कराया ना भंगी, मैंने ही बनाया तो मैं ही बोलूंगा ना। इधर मैंने कहा ना बैड डेट है, ना रिटर्न है, ना डिस्काउंट है। बिल्कुल ऐसा ही है खुबैब। अगला सवाल। हाँ बाबू अब क्लियर है? आसान है ना? किसमें? इस वाले सवाल में कह रहे हो? नहीं, पिछले साल का नहीं हुआ ना, फॉर द ईयर का कम रिसीव हुआ है तो क्लोजिंग ज्यादा बच गया है। सही है आसान। बस तुम इतना याद रखो कि रिसीवेबल के इंक्रीज में ये मतलब होता है कि इनकम ज्यादा है कैश कम है, इसलिए हम माइनस करा देते हैं। हो भी गया। नहीं नहीं स्प्रिंट नहीं है। हाँ बाबू बोला सवाल तेरा हो गया। पहली क्लास है? अबे हैंडआउट तो मिल जाएगा ना, ये बीच में रखा। तो आगे वाला सवाल क्या है? इंटरेस्ट रिसीवेबल अलग है। हाँ इंटरेस्ट इनकम अभी बता देता हूँ, रुक जा। अच्छा यार क्या इस सवाल में इंटरेस्ट इनकम और रिसीवेबल आ रहा है? आप सुनना मेरी बात, जैसे एक्सपेंस वैसे ही बता देता हूँ ना, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सुनो भाई, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में तो नहीं आएगा क्योंकि ये ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं होता, ये तो तुम्हें पता है। ऑपरेशन से रिलेटेड सिर्फ अकाउंट रिसीवेबल पेएबल और इन्वेंट्री होते हैं। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है उसके अगेंस्ट में पेएबल होता है, याद आ रहा है? अच्छा एक्सपेंस डालते हो पेमेंट आ जाती है, सही है ना? अब जरा इसका गेम देखो, इसका उलट होगा। सब देखो जरा। सर अगर मैं ये कहूँ, प्लीज समझाने के लिए मैं वो वाली फिगर्स नहीं रखूंगा, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बनाऊ, ओपनिंग रिसीवेबल था मेरा कितना? 50,000 रुपए का। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई हो, वहां से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा हो? चलें, तो मैंने क्या किया होगा, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। लेट्स से मैंने कहा कि भाई 70,000 रुपए की मेरी अज्यूम किया ये सारी, क्योंकि तुम तो अपने हिसाब से करोगे ना, क्या ये इनकम की वजह से मेरा रिसीवेबल इंक्रीज हुआ होगा? या प्लीज सुनना, ये सर मैंने क्या किया, इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे लिख दी, कितनी आ रही है ये 70। अच्छा जब मैं क्लोजिंग पे गया तो सुनना मेरी बात, क्लोजिंग पे गया तो मैंने देखा वहां पे जाके कि भाई मेरे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है कोई 20,000 रुपए का, तो बाकी पैसे रिसीव हो गए। यानी उसकी एंट्री ये बनी होगी, कैश डेबिट
और इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना आ रहा है बैलेंसिंग फिगर? 1,00,000 रुपए। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इस साल नीचे कैश में कितना शामिल होगा? 1,00,000। फोकस इधर, क्या इस साल नीचे कैश में 1,00,000 रुपए शामिल होगा और ऊपर प्रॉफिट में कितना है? 70। अब मैं आपसे वही सवाल पूछता हूं, यहाँ पे प्रेजेंट भी करके बता देता हूँ उसको, इधर देख लो जरा। मैं कह रहा हूं क्या आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अलॉन्ग विद एवरीथिंग क्या 70,000 रुपए शामिल होगा? नीचे कैश में कितना होगा? 1,00,000। अब अगर मुझे इसको डेली करना है, मैं 30,000 रुपए चिपका दूं? क्यों? अच्छा, ऐसा लगेगा कि मेरे इंटरेस्ट रिसीव कितने का हुआ है? 30 का, जबकि असल में कितने का हुआ है? 1,00,000 का। तो अब मैं क्या करूं, उसको 70 माइनस करूं और फिर नीचे से कैश दिखा दूं? समझ आती है बात? ये इंटरेस्ट एक्सपेंस का रिवर्स है, सही है? जल्दी से करके दिखाओ आप। बबलू हैंड आउट कहाँ गया देगा? प्रैक्टिस कर रहा था इतना अच्छा, तू कब से हो गया बे? हाँ बाबू, अब सही है इंटरेस्ट वाला? इंटरेस्ट वाली स्लाइड बता दूं? नहीं, जो मैंने अभी सॉल्व किया था वो बताऊं? नहीं, वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ, तो मिटा दिया मैंने, वैसे ही बता देता हूँ तुझे। देखो देखो, समझाने के लिए मैं कहता हूँ, भाई मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल बुक किया और इंटरेस्ट इनकम बुक की, सही है? कितने की? 50,000 रुपए की कर लेते हैं। ये वही है इंटरेस्ट जो पेबल वाला उसका रिवर्सल ही है ना? उल्टा है उसका। मेरे पास मेरे बुक्स में इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट आ रहा है, ओपनिंग आ रहा है 70,000, सही है? इनकम की वजह से मेरा रिसीवेबल क्या हो गया? बढ़ गया। कितने से? 50,000 से। क्लोजिंग कितना? मैंने कहा भाई 20 अज्यूम कर लो, तो कैश कितना आ गया? हाँ दे दो। कितने का? 1,00,000 का। अब मेरे कैश में कितना शामिल है? 1,00,000। इनकम में कितना शामिल है? 50,000। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं नीचे, यही बनता है ना? हाँ सही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे कैश फ्लो बनाते वक्त, कौन है ये? अरे सर सॉरी। मुझे एक बात बता, क्या मैं नीचे कैश में 1,00,000 आ रहा है, सही है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कितना है? 50,000। क्या मैं 50,000 दिखा दूं यहाँ पे? हाँ, वरना ऐसा लगेगा 50,000 ऐसे ही हुए हैं। तो मैं पहले क्या करूँ, 50 रिवर्स कर दूँ इंटरेस्ट इनकम वाले और फिर टोटल नीचे दिखा दूँ, सही है?
अबे क्या गली के कोने पे खड़ा होंगे चिल्ला रहा है बता। हाँ क्या आ गया ना इनकम यहाँ डालेगा ना भंगी तो इनकम तो यहाँ पर भी इनकम अबे वो चलसी बात सुन इनकम से रिसीवेबल होता है ना कैश से कम होता है उल्टे कहा तूने 65 की आ रही है ना इनकम यहाँ डाल यहाँ से कैश निकलेगा बैलेंसिंग फिगर 65 तो मैंने सर्च किया जाए नहीं ना देखो ओपनिंग इंटरेस्ट रिसीवेबल इतना था ड्यूरिंग द ईयर की इनकम इतनी है तो टोटल रिसीवेबल इन दोनों को मिला के हो गया बस इतना गया तो बाकी रिसीव हो जाएगा रिसीट वहां पे आएगा कैश फ्लो में। हाँ रिसीट तो ऐड होगा ना पैसे आए देखो ये इनकम देखो 65 माइनस होगा ये जो आंसर आएगा ऐड हो जाएगा सही है उल्टा किया है ना तूने यहाँ कैश रिसीव के नाम से आएगा बिल्कुल ये बैलेंसिंग फिगर सही निकाली है तुमने देखो फिर देखा एक मिनट भाई 62500 प्लस 65 माइनस 82500 45 आ रहा है बाबू क्या हो गया तुमने उल्टा करोगे तो यही होगा ना। हाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड सही है। हाँ जानी 85 गलत निकाला ना जानी इनकम यहाँ आएगी कैश यहाँ आएगा तुमने उल्टा कर दिया इनकम से रिसीवेबल इंक्रीज होता है ना पहले ये बात बताओ एक मिनट जानी पहले एक बात बताओ इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आ रहा है इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना आ रहा है 45,000 बिल्कुल सही अभी समझा देते हैं अमजद नहीं नहीं एक ही डी अकाउंट नहीं बना सकते खुबैब अलग अलग बता देना पेबल का कितना है रिसीट का कितना है इनकम का कितना है एक्सपेंस का कितना है। हाँ सिस्टर इतनी लेट क्यों अभी क्या फिर रिकॉर्डिंग तो वहीं घर पे बैठ के ले लेती क्लास गुड। हाँ नहीं देखो जो भी रिसीट होती है अलग से आएगी जो एडजस्टमेंट होती है वो इनकम वगैरह की होती है इनकम और एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट होती है रिसीट वगैरह अलग से दिखाते हैं नीचे सही है। अभी बताता हूँ जानी आ जाओ। हाँ भाई सिस्टर्स हो गया ये तू कहाँ से सिस्टर है भाई डन। हाँ हाँ कर ले भाई अभी इससे हाथ के हाथ समझ लो ये क्लास। हाँ ना हाँ बिल्कुल अहमद वापस से करवाते हैं यहीं आ जाए करो बाबू डन है अकाउंट रिसीवेबल बस अब तक सही है उसके बाद अकाउंट पेबल सिखाऊंगा अलग से उसको टैकल कर रहे हो ना ऑपरेशन से तो रिसीवेबल ही पर्टेन करता है ना अकाउंट रिसीवेबल उसके अलावा कौन सा रिसीवेबल पर्टेन करता है जब तुम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गए हो उसके अलावा उसके अंदर तो सिर्फ रिसीवेबल का इम्पैक्ट है और किसी रिसीवेबल का इम्पैक्ट है ही नहीं वो तो उसके बाद है सही है। मैच हो गया वेरी गुड शफीक बाबू यार ज़रा ओपनिंग बताना है इसका और क्लोजिंग 1205000। अच्छा भाई इस वाले सवाल में क्या तुम्हें एक्विजिशन क्या दिल हो रहा है यार ऐसी अब चीजें आएंगी ना इसमें से
यार तू अलग ही चीता है ना भाई। हम तो सबको सिखाएंगे ना यार, तेरे को आता है तो माशाल्लाह अच्छी बात है, तू डायरेक्ट निकाल ले, कोई मसला नहीं है। वेरी गुड रमशा। अच्छा जी मुझे एक बात बताओ, कंपनी ने डिस्पोज किया है प्लांट एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 1,05,000 और जिसपे गेन कितने का आया था? 10,000 रुपए का। अच्छा वैसे मैं देखूं तो मेरा जो है कैरिंग अमाउंट वैसे भी निकल सकता है, सेलिंग प्राइस में से गेन माइनस करूंगे कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। चलें जी अब इसके बाद मुझे एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी है कितना है? 1,25,000। अच्छा तो बैलेंसिंग फिगर डिस्पोजल कितनी आ रही है कैरिंग अमाउंट? 95,000। अबे उठ के बैठ गया इतनी तकलीफ में इधर। अच्छा भाई सेलिंग प्राइस कितनी है? 1,05,000। गेन आ गया सर 10 का। अच्छा भाई सर पीपी का अकाउंट तो बन गया, क्या मुझे कैश एंड बैंक का अकाउंट बनाने की नीड है या इसी से मैच करना है? इसी से मैच करना है। एक और चीज बाबू इधर, क्या डेटर का अकाउंट बनाऊंगा या खाली एडजस्टमेंट आएगी इसकी? वेरी गुड। वर्किंग कैपिटल में इंटरेस्ट रिसीवेबल का अकाउंट बनेगा? यस सर बनेगा। ओपनिंग कितना है बाबू उसका? क्लोजिंग अच्छा यार अब मुझे एक बात बताओ, क्या मेरी इनकम की वजह से मेरा ये रिसीवेबल इंक्रीज होगा? तो सर ये आ गई इंटरेस्ट इनकम, कितनी दी हुई है? 65,000 आ गई। बाकी कैश रिसीव कितना? 25,000। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऊपर मेरी इनकम में ये 65,000 रुपये होगा, नीचे कैश में 25 होगा, तो क्या मैं नेट की एडजस्टमेंट माइनस करूं? वरना ऐसा लगेगा उल्टा रिसीव करने की जगह पे किए हुए 45,000 है। आप ही ने बताया भाई, भाई देख लो ये यही है 45 ही है। ओके हाँ भाई सर इंटरेस्ट पेबल। ये आ गया सर 2,500 और क्लोजिंग एक्सपेंस कितना और कैश यही है। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताएंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 8,594,000। अच्छा भाई इसमें करेंगे एडजस्टमेंट्स। हाँ भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हाँ भाई, गेन ऑन डिस्पोजल लेस करूं। अच्छा जी इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है? 25,600, उसको हमने ऐड बैक किया। इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 1,05,000। अच्छा प्लीज यार अब एक बात बताओ, इसमें सर ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद क्या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंचोगे? अच्छा प्लीज एक बार करके देखो, यही आता है। चलिए जी सर मुझे इतना पता लग गया कि भाई ये आ गया सर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया? सर ये आ गया 9,35,000 आ गया। अब मैं आपसे ये बात पूछता हूँ, क्या ये 9,35,000 ऑपरेशन का जो प्रॉफिट है, ऑपरेशन का कैश भी है और किस वजह से नहीं है? रिसीवेबल की वजह से। अच्छा आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या आपके रिसीवेबल डिक्रीज हुए या इंक्रीज हुए? डिक्रीज पक्की बात है। अच्छा जी अभी तो वो हमारी बहन को बुलाओ ये। हाँ आप बताएं, अगर रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं तो क्या ये एक वजह है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल नहीं है? मैं वापस से पूछता हूँ, क्या ये एक वजह है कि मेरा प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन जो 9,35,000 का है, 9,35,000 का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल है? इस सवाल में सोचिए, कोई मसला नहीं है, डरने का नहीं है।
इस सवाल में मुझे एक बात बताओ आप, जब मैंने ये वाली एडजस्टमेंट्स की, ये चार तीन चार एडजस्टमेंट्स, क्या इन सबको एड लेस करूं, देखो कितना आंसर आता, जल्दी बताओ। ऑनलाइन वालों तुम भी बता सकते हो भाई, बल्लू नहीं है ना, बबलू ओके है या नहीं है, मैच है नहीं है, अभी तक तो मैच है, बिल्कुल सही कह रहा है, अभी प्रॉफिट तक तो मैच है, पर क्या प्रॉफिट फॉर्म ऑपरेशन और कैश फॉर्म ऑपरेशन सेम है? नहीं। आप बताएंगे अभी बहन जल्दी से, अभी तुम्हारे एक बार वो रजिस्टर्ड ग्रुप बने तो फिर देखो कैसे सीधे होते हो, अभी तो असाइनमेंट भी नहीं दिए मैंने, अभी 9:35 आ गया इसके बाद। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल हो गया अभी 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 अभी? अच्छा, फिर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आपने निकाला है, क्या कैश फ्रॉम ऑपरेशन भी इतना ही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? कोई मसला नहीं है, गलत बता दो, कोई इशू नहीं है, आप मतलब ऑडियंस कॉल भी ले सकती हैं, फोनो फ्रेंड, अपने मित्र को कॉल कर सकती हैं आप। जी पूछो पूछो, बताएंगी शायद, अगर इनको भी नहीं पता तो फिर वो आगे पूछेंगी, आगे वो तीन लोगों से पूछेगी। हाँ बताओ, रिसीवल की वजह से भाई, क्या ये सही कह रही है, रिसीवल की वजह से? अच्छा, यानी आप ये कह रही हैं इस साल रिसीवल डिक्रीज हुए हैं, सही है ना, तो मेरा जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन है वो कैश फ्रॉम ऑपरेशन के इक्वल नहीं है, बल्कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से ज्यादा है, क्योंकि पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ है, तो क्या इस साल का वो कैश नहीं है? तो दिखाऊंगा ना इसमें ऐड करके। तो मुझे एक बात बताओ, जो भी रिसीवेबल का डिक्रीज है, उन दोनों का चेंज कितना आ रहा है? 56। अच्छा, यानी हमने यहां पे हेडिंग प्लेस की भाई, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, क्या डिक्रीज इन डेटर है भाई? ऐड करना है। अच्छा, लॉजिक वही है, अब आप बताओगे आखिरी बार ऐड क्यों कर रहा हूं, ऐड क्यों कर रहा हूं उसको, ऐसा नहीं करना, देखो मैंने बड़ी मेहनत की है, एक घंटा तो सिर्फ ये समझाया कि ये वर्किंग कैपिटल होता क्या है। जी कोई मसला नहीं है, गलत बताओ मेरे को, क्यों ऐड कर रहा हूं, पैसा रिसीव हुआ है कौन से साल का? लास्ट ईयर का, तो इस साल में क्यों नहीं है वो? मैं एग्जामिनर हूं ना, मैं तुम्हें कैश फ्लो बना के दे दूं, मैं कसम खाता हूं, मैं एग्जाम में कैश फ्लो बना के दूंगा, बोलूंगा इसको इंटरप्रेट करके दिखाओ, तब तुम्हें लग पता जाएगा, तुम बोलोगे भाई ये तो सीख के आए थे, ये तो बना के दे दिया। हाँ तो यार मतलब लॉजिकली समझना हमें, आप कह रही है चलो एक बात तो आपने सही कही कि पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हुआ है, तो मैं ऐड कर रहा हूँ, और ऐड इसलिए कर रहा हूँ, ये याद रखना, आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं किसी से भी पूछा ना अभी एग्जांपल सेट करने लग जाऊंगा मैं सब, पिछले साल का पैसा जब इस साल रिसीव होता है तो इट इंडिकेट्स ये इनकम थी पिछले साल की, रिसीव हो रही है तभी मैं ऐड कर रहा हूँ, और इस साल की इनकम तो पीएनएल में ऑलरेडी शामिल है, ऐसा ही है, तो पीएनएल बनता है बोलोगी फॉर द ईयर का, जिसमें सिर्फ एक ही साल की इनकम होती है, और पिछले साल का पैसा इस साल रिसीव हो रहा है तो वो पैसे का इम्पैक्ट इस साल के प्रॉफिट में शामिल नहीं है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कैश ज्यादा है इनकम कम है, इसलिए मैं इसको ऐड बैक करके उसके इक्वल कर देता हूँ, सही है, याद रहेगा। चलिए जी, अब मुझे एक बात बताओ, ये मेरे पास आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन, क्या सिर्फ ये कैश फ्रॉम ऑपरेशन आया या इसमें से और भी खर्चे किए हैं? वेरी गुड यार, क्या आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है? सर ये आ गया इंटरेस्ट पेड, कितना? 50,600, ऐसा ही है। अच्छा, क्या आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है? 45,000। चलो, ऑपरेशन से पैसा आया अलग, इतना खर्चा किया अलग, इतना और पैसा आया, क्या और खर्चा नहीं किया? पीपी एक्वायर किया? यस सर, पीपी एक्वायर्ड, इतना ही है। 5,600। अच्छा, पीपी डिस्पोज भी किया है, 1,500 का। अच्छा, मेरे ख्याल से सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। अच्छा, जब सारी चीजें इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं तो नेट इनफ्लो फॉर द ईयर, आउटफ्लो?
527, यानी हम ये कह रहे हैं सर फॉर द ईयर इतना पैसा आया है जो कि प्रॉफिट से अलग है। तो हमने यही तो सीखा था पहली क्लास से, प्रॉफिट फॉर द ईयर होना अलग बात, इनफ्लो फॉर द ईयर होना अलग बात। तो सर नेट इनफ्लो आ गया, इसके अंदर मैं अगर ओपनिंग बैलेंस ऐड करूं 56,500 तो क्लोजिंग यही है क्या? ये क्लोजिंग से मैच है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ कि यहां तक लॉजिकली साउंड हो, कोई रट्टा या प्योर लॉजिक? प्योर लॉजिक सर। अब अपना होमवर्क लिख लो, आज साथ मनाएंगे ना वीकेंड, आइयो तू। क्वेश्चन नंबर 6 एक ही होमवर्क है, चलो एक ही होमवर्क है भाई। अच्छा यार एक आखिरी चीज बाबू, बैग पैक करने से पहले इधर देख लो सब। एक बच्चे ने मुझे ये कहा कि सर, जैसे इन्होंने भी ये सवाल किया था, अच्छा सवाल था, नहीं किसने किया था यहाँ से, इन्होंने मुझे कहा कि सर जैसे आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस में, सुनना इधर, वो नशाई इधर बैग पैक कर लेना, स्कूल की छुट्टी हुई है क्या, भाग रहे हो इधर इधर। एक बच्चे ने ये कहा कि सर आप ये जो ट्रेड डेट्स हैं ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले लेते हैं, तो आपने ये जो पेएबल है इसको भी ले लें। एक लॉजिक दे रहा हूं, तुमने जब एडजस्टमेंट्स की थी ना, तुम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन पे पहुंच गए थे, ऑपरेशन के अंदर सिर्फ ट्रेड डेट का इंपैक्ट होता है, इंटरेस्ट का इंपैक्ट क्योंकि वो इसके बाद होते हैं। फिर सुनो मैं कह रहा हूं, जब आपने एडजस्टमेंट्स की, सब सुन लो यार, जब आपने एडजस्टमेंट्स की ये वाली सवाल में, तो आप इन एडजस्टमेंट्स के बाद 9:35 पे पहुंचे थे, 9:35 पे पहुंच गए थे, ये था प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसके अंदर ऑपरेशन का रिसीवेबल होगा या कोई और रिसीवेबल होंगे? ऑपरेशन का रिसीवेबल होगा, तो मैंने एडजस्ट भी सिर्फ उसी को किया वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। फिर आपका सवाल आएगा सर आपने इंटरेस्ट रिसीवेबल को क्यों एडजस्ट नहीं करा, क्योंकि उसका इंपैक्ट इसके अंदर शामिल, वो आता है इसके बाद। ये बात समझ आती है? तो ये याद रखना यहाँ पे सिर्फ रिसीवेबल पेएबल और इन्वेंट्री आएगा, उसके अलावा अब तक कुछ नहीं आएगा जी, वो सिखाऊंगा आगे, इन्वेस्टिंग में आती है वैसे ही बता रहा हूँ, वो आगे सिखाऊंगा मैं, सही है क्या? कौन सी वाली वर्किंग कैपिटल? अभी और सीखनी है, पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ। सही है जी, जज़ाकअल्लाह, मिलते हैं अगली क्लास में। होमवर्क है इसके बाद वाला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 ये भेज रहा हूँ मैं ग्रुप पे। चलें जी, लव यू, अल्लाह हाफिज़। अभी भेज रहा हूँ अमजद, पीडीएफ भेज रहा हूँ।